चलिए जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑनलाइन में भी कुछ लोग बैठे हैं, अबे बहुत सारे हैं भाई। अबे यहाँ से तुम लोग कनेक्ट। चलो भाई, अच्छा पहले तो बात स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आपको पता है, आप लोग, आप सबको, आपकी सबकी इंटेंशन ये है कि यहाँ पर आप लोग आए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो पहले हम आपसे शुरू करते हैं और हम इस तरीके से शुरू करते हैं कि पहले, अरे ये लाइट मैंने ऑन करवाई है, अगर तुम कुछ होगा ना हम एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट होगा मैं कर लूंगा एडजस्ट, टाइमिंग के हम कंफर्टेबल हो जाएंगे थोड़ी देर में, नहीं होगा तो हम कर देंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा नहीं कर रहे, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि ये जो रूम की विंडो है तो स्क्रीन पर नजर आए, वो यहाँ पे ऑडियंस को नजर आए, चलो बाद में करते उसको। दूसरा ये कि वायरलेस माइक है, वायरलेस वायरबेस, हाँ वायरलेस चाहिए मुझे, मुझे फ्रेंड ने बोला था वायरलेस हो जाएगा, पूछ लेना फ्रेंड से, वायरबेस तो है मेरे पास। अच्छा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपका रिक्वायर्ड है, इस कॉन्टेक्स्ट में आपका नाम क्या है, याद तो रहेगा नहीं, मैं तेरे पूछ लूंगा आपका नाम और आपका लास्ट सब्जेक्ट कौन सा भी पेपर हुआ है ना, लास्ट वीक ही पेपर खत्म हुआ है ना लास्ट वीक, और कौन सा है, और आपने एफएम का सब्जेक्ट जो है ट्वाइस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इस तरह से स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन में भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छी बात है। अच्छा ऑनलाइन वालों की वो रिक्वेस्ट ये कि मैं आपको राइट्स दे देता हूं इस बात के कि आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपना माइक ऑन करके अनम्यूट कर दिया मैं, कर दूंगा मैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि पीछे बर्तनों की आवाज ना आए या फिर जो है वो कुछ और भी जो डिफरेंट किस्म के इशूज हैं तो ये ना आए, वो एक आधी मरतबा मैं बेयर करूंगा, उसके बाद सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको मसला हो जाएगा। लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं हम कुछ, और अल्लाह का नाम ले से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट करेगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं खुद कर लूंगा, कोई बात नहीं यार, शर्माए नहीं। अल्लाह ताला जो है वो हमें बरकत, हमारे इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पहला स्टेटमेंट ये कह दो, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो बेटा ये जो जिम्मेदारी को मैं आपको बता दू, ये पूरा सब्जेक्ट जो है बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म। अच्छा कैपिटलिज्म का मतलब आपके पास सरमाया जा रहा है मिलावे, इसका मतलब ये होता है बस मैं, नॉट फॉर सोसाइटी, ठीक है ना। और ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इकोनॉमिक्स की बहुत सारे आपके पास क्लासिफिकेशन, इसमें जो है वो कैपिटलिज्म को शो कर रहा होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें गूगल पे सर्च करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितनी भी चीज है उन उन सब ताने बाने यानी कनेक्शन जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू एस्टैब्लिश हुई है, उसको स्टार्ट करेंगे और वो जोश लॉबी की, ठीक है। मैं इसमें हम यहाँ तक भी पढ़ेंगे कि जुआ कैसे खेला जाता है, ये मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, मैं आपको एफ एम में एफ आर ए सर आवाज सही नहीं आ रही, वो किताबों में अपने डेकोरेशन में लिखा हुआ है,
ना तो वर्ड गैम्बलिंग लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ है सत्य इज ऑल अबाउट फ्यूचर ओरिएंटेड। हम यहाँ पे जितना भी कुछ पढ़ेंगे मकसद आपसे मैंने अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट कराया तो मकसद ये है अक्सर ये है कि देखिए आप ये जरूर मकसद क्या आपका ये इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए इस सब्जेक्ट के बारे में हो क्या रहा है और मैं हमेशा ये पढ़ते हैं आप डिटरमिन करें इस वक्त रियल वर्ल्ड में हो क्या रहा है तो और आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं ये एक इम्पोर्टेंट बात है। सारी चीज ये कह रहे हैं पढ़े जरूर पढ़े इस सिस्टम को देखिए भी सिस्टम को आवाज नहीं आ रही आपकी सही लेकिन कम से कम आप ये जरूर देखें कि अगर ये गलत है तो क्यों गलत है। लेकिन ये सब्जेक्ट आपको लेके जाएगा अगर मैं आपकी बात बात करूं तो एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका एडवांस उससे आगे अगर आप एकेडमिक्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हेलो सर फाइनेंस में होता है सर आवाज नहीं आ रही सर प्लीज सर मैं सर्टिफिकेशन करना जितना भी कुछ आप पढ़ेंगे आप स्टडी कर लें वो आपको उसी तरफ लेके जाएगा जो मैंने आपको बताया लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी इंटेंशन क्या पढ़नी दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आ जाता हूँ अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप किस तरह से हैंडल करेंगे एक बात ये होगा। दूसरी बात ये देखें ये आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये F6 F8 में जैसे आप पढ़ते हैं ना मुझे नहीं पता कितने लोग आते हैं अभी मैं एक ऐसी जर्नल डिस्कशन कर लेता हूँ ये आप फर्स्ट टाइम SHM में पढ़ेंगे इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है जैसे आप AA और आप X पढ़ते हैं ना तो कोई बैकग्राउंड नहीं है ये भी सब्जेक्ट सेम है इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है आपको जैसे आप FR पढ़ते हैं तो यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ F3 चीजें पढ़ेंगे समझने के आप इसका ABCD पढ़ेंगे ठीक है ना। अगर आपको एडवांसमेंट चाहिए हो तो फिर आप AFM पढ़ें और आगे जाएं तो ये आपका आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि इसको आप अपने स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो ये एक पॉइंट हो गया आपने। तो मैं आप स्टार्ट करता हूं आप नाम बता दें आप ये बता दें कि आप और आप FM क्यों चॉइस किया आपने आप स्टार्ट करते हैं जी ठीक है सीक्वेंस आपका F7 वगैरह हो गया ठीक है ठीक इंशाल्लाह सेवन हो गया और प्रीवियस एफिट से पहले तो वो सीक्वेंस है मतलब बाकी है कुछ बाकी याद है कुछ F5 6 नहीं दिया F5 6 F8 कैसा हुआ रिजल्ट F8 का ऐसा F6 ने दिया F5 F यही रिमेनिंग वजह पूछने की तो जरूरत ही नहीं है खैरियत है सर मार्च स्किप किया आपने
खैरियत? वही तो पड़ता है, वही तो हालात भी अच्छे चल रहे हैं। अभी तो इस्लामाबाद में भी तो पेपर होते हैं, छोड़ो यार ऑनलाइन है सब तो। एफिट से पहले F5 कैसे हुआ? F5 और 6 वगैरह नहीं दिया? अच्छा क्लियर है F7 6 8 ठीक। हमजा फोर फाइव सिक्स वगैरह एट नहीं, तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्या वजह इस तरह से दिल जा रहा है? अबे गन थोड़ी है यार, F7 पूछ तो कर तो बाय नॉट F5 ऐसे ही पूछता है बाय नॉट F5 ठीक है। तो यहूदियों के सब्जेक्ट पड़ेगा रमजान क्या नाम आपका मोहम्मद? F986 अब इस चीज पर 689 ना 68 क्यों नहीं? तो वो तो मुझे बस छोड़, मतलब सुना है किसी से, क्या किससे सुना? बिलाल भुट्टो से, किससे दोस्त? सीनियर हूं, कभी भरोसा नहीं करता सीनियर से। झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। और जो मिले मुझे मिला देना ताकि वो और जो है ना बर्बादी नहीं करे। बिल्कुल गलत, कोई मिक्सन नहीं। F6 उससे पहले हैं? फिर 4 6 7 8 अम्मी ने मना किया। बात करता मैं रमजान से पहले ही यार इस बात है सारी कर दूंगा। उसको बता दिया ना क्लास में आया तुम, बस ये बता दियो सैन कादी क्लास में बात नहीं कर सकते। 7 अच्छा ठीक है भाई। हाँ भाई अहमद F8 F9 देखिए स्किल में अभी कौन सी है भाई? अबे भाई शर्मा नहीं इतना है, इतना जो आ गया नजर ही आ रहा है करो, कौन सा टीचर अच्छा डांस कर रहा है अभी और भी सब्जेक्ट भाई इसके बाद यही आएगा ना भाई फहद 6 7 तुमने लास्ट क्यों ड्रॉप किया पता रुक गया कौन सा हो गया? ठीक है समझ गया जी बेटा
F9 लगे। सिक्स सेवन एट F5 नाइन रिवर्ट बाकी जी बेटा। और कौन से पेपर दिए? F8 रिमेनिंग। अब इन नहीं दोगे? हाँ F6 ने लिया। You have a plan to appear for F8, F9, both? Okay. September. ठीक। तभी 5, 8, 9 remaining है। 9 दे रहो। जी बेटा। Eight, nine. हो गया सारे ठीक है बेटा। और कौन से पेपर? 6 और 9 में 9 आपने ऑप्ट किया। 7 ठीक है। आप बेटा ठीक है ऑनलाइन वालों को भी ऑन बोर्ड कर लेते ठीक है जी। मैं माइक पर कर लेता हूँ। ऑनलाइन में मुझे पता है आवाज में थोड़ा सा इशू शायद आ रहा है। सब बता दूंगा सुबह फजर के बाद पढ़ेंगे। ऑनलाइन में मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी सबको? अच्छा मुझे एक बात बताएं ऑनलाइन के अंदर जरा क्विकली कि कौन से लास्ट पेपर आप लोगों ने दिए हैं, जरा मुझे बताएं जल्दी से बता दें, जरा लिख के बता दें, वॉइस में बता दें किस पे। 7, 5, 5, 7, 7, 8, 5, 6, 7, F8 ठीक है ठीक 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 सही चले जी बस ठीक है दादा हो गया। इसका मतलब है ये तो दैट्स गुड के ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि कोई ना कोई पेपर में अपेयर हो चुके हैं और कोई ना कोई स्किल मॉड्यूल के बारे में एक स्ट्रक्चर आपके पास डेवलप हुआ है। ये वाला स्प्रेड ऑन है ठीक है जी। चले जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। चलो भाई मैं जरा देखिए आज की क्लास के जो है ना दो फेजेस हैं। एक फेज में जो है वो मैं जरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। और देखिए इस सेमेस्टर में ना हमारे पास टाइम का बड़ा जो है ना क्योंकि रमजान है तो नॉर्मली आप लोग वैसे ही बगैर रमजान के तो विदाउट रमजान पढ़ते ही नहीं रमजान में तो। और मुझे पता है अभी से सारे इबादत और मुत्तकी परहेजगार जो है वो सारे अवेलेबल है यहाँ पर। अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। नहीं वो तो हर एक के अपना मतलब इबादत का अपना एक सिलसिला है तो वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन डेफिनेटली जो है वो रमजान में एक चैलेंज आता है। असल में बात ये देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे पास तीन फेजेस पे जो है ना मैंने तीन फेजेस पे स्प्लिट किया। मैंने दे दिया फहीम को पूरा प्लान जो है ना तो मैं आपसे भी शेयर कर लूंगा। तीन फेजेस पे जो है वो बेसिकली जो है ना क्लासेस को स्प्लिट किया मैंने।
एक है बिफोर रमजान जो नेक्स्ट 3 वीक्स है, यानी कि सेकंड या थर्ड से जो है अप्रैल से जो है वो रमजान स्टार्ट है, ठीक है। और ताकतों की इबादत तो मतलब सुभान अल्लाह, तो बहरहाल और उसके बाद ईद की छुट्टियां, इतनी इबादत करते हैं तो ईद की सेलिब्रेशन तो है, तो वो एक महीना तकरीबन 1 महीना और 3-4 दिन तो बोल रहे तो क्या वो एक फेज होगा आपके पास डेफिनेटली रमजान के मंथ की जो क्लासेस के हैं वो स्क्वीज होती हैं और उसका एक टाइम टेबल होगा वो बता दिया जाएगा आपको। अच्छा दो बातें, उसके बाद रमजान के बाद जब आएंगे तो एक और चांद नजर आएगा और वो चांद जो है एग्जाम का होगा। वैसे तो पता ही है आपको कि जून में आपका एग्जाम होगा और फ्राइडे को होता है एग्जाम एफएम का एएफएम का, तो मेरे ख्याल से 4 या 5 तारीख से स्टार्ट है तो सबसे लास्ट एग्जाम इसी का होता है, 7-8 तारीख 9 तारीख को एग्जाम होगा। तो जाहिर सी बात है अगर 2 तारीख या 3 तारीख को अप्रैल 2nd और 3rd अप्रैल को अगर रमजान स्टार्ट है तो तकरीबन 1 महीने के बाद 5 या 6 मई को दोबारा रमजान के बाद रिज्यूम, मतलब रमजान में क्लासेस तो अपनी जगह पे होंगी लेकिन फुल फ्लैश फिर उसके बाद भी स्टार्ट होंगी, उसके बाद आपके पास इफेक्टिवली 1 महीना रहेगा। तो अगर आप स्प्लिट करें तो ऐसे ये 3 वीक्स रमजान का 1 महीना और फिर लास्ट 1 महीना, ठीक है ना, ये 3 फेजेस पे काम होगा। और डेफिनेटली यार देखो 10 दिन पहले तो आप घर पे बैठ के अपने काम करेंगे ना, 10-12 दिन पहले यार उसमें तो आप मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा डेफिनेटली। 10-12 दिन मेरे ख्याल से तो इफेक्टिवली 2 हफ्ते मिलने चाहिए स्टूडेंट्स को, अब डेफिनेटली इतना चैलेंज है तो शायद 2 हफ्ते पूरे ना मिल सके लेकिन 10-12 दिन तो मिले। तो ये एक सिनेरियो एस्टेब्लिश होगा जो हम आज 15 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं और टेंटेटिवली तकरीबन ये 25 मई तक चीजें जाएंगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, विद द रिविजन मैटर्स इंक्लूडिंग रिविजन मैटर्स, जो भी रिविजन का एक सेशन होता है उसके साथ। तो ये तो भाई क्योंकि आप अपना माइंड सेट बना लें, नहीं हो सकता भाई, इट्स नॉट पॉसिबल, इट अबाउट टू इम्पॉसिबल, किस तरीके से हैंडल करें। अच्छा हम कोशिश ये करेंगे कि जो फर्स्ट 3 वीक्स है ना इसमें अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से एक मोमेंटम एस्टेब्लिश कर लें सीक्वेंस में, और मैंने कोशिश करूंगा कि रमजान में ऐसी चीजों पे काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहे, ठीक है, ये जरूरी है बात। तो ये दो चीजें हैं अपनी जगह पे, पहले ये 3 हफ्ते जो है ना ये इसको बहुत आपने भी मैंने भी मिलके जो है ना एक अच्छा सब्सटेंशियल एरिया ऑफ सिलेबस जो है ना वो कवर करना है, यानी कि मैं ये सबसे पहले स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई भी इस वक्त ये 3 वीक्स ये ना सोचे कि यार रिजल्ट आ जाएगा ना तो फिर मैं सोचूंगा एग्जाम का, वरना ये आपके हाथ से अटेम्प्ट चला जाएगा। आप ये सोचें कि रमजान से पहले टीचर जिस तरीके से मूवमेंट करना चाहता है सारी चीजों की वो वैसे कर ले, मैं आपको कल पूरा प्लान दे दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं सिलेबस के एरिया की बात करूंगा उसके अकॉर्डिंगली, और आज की जो क्लास है फर्स्ट फेज में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और अगले फेज में स्टार्ट कर दूंगा सिलेबस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक आज स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि नॉर्मली 3 बजे स्टार्ट होती है क्लास, इस सेमेस्टर में जानबूझ के रमजान से पहले मैंने 2:15 बजे का टाइम रखा है जानबूझ के, वरना 3 से 6 क्लासेस होती है, इसी वजह से ताकि रमजान का से पहले जो है वो हम थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर लें ज्यादा से ज्यादा चीजें, तो ये मैं आपको पहले बता दूं। तो सब लोग जो है ना इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि हाँ यार अगर हमने कोई भी एग्जाम देना है F9 देना है F9 के साथ कोई और पेपर देना है तो अपनी स्ट्रेटजी सही तरीके से डेवलप कर लें, क्योंकि आपके सामने है सारी चीजें, रमजान में कैसे काम करना है, अभी कैसे काम करना है, सारी चीजें। और ये एक दिन का जोश नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी कंटिन्यूड ना, मतलब एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखें आप के लिए तो बहुत आसान बात है ना सेमेस्टर स्किप कर दें, रमजान है सेमेस्टर स्किप कर तो बहुत आसान है, 3 महीने तो वेस्ट हो रहे हैं ना स्टूडेंट क्या, मतलब अपने हर इंसान की अपनी सोच है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा ऐसा ना करें, साथ साथ काम करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा एक बात। चले आप सब्जेक्ट पे आते हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये कि एफएम के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं, व्हाट इज अबाउट द एफएम और इसमें क्या चीज है। देखो बेटा सबसे पहली बात ये कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस सब्जेक्ट का आपको सबको पता होना चाहिए कि जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो एक फोकस एरिया ये कि इसका जो सक्सेस रेट है वो सक्सेस रेट जो है ना वो अराउंड 45% है, 45%। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए
कि हम अंडर 45% आ जाए। तो पहला टारगेट तो ये होना चाहिए ना कि सर हम बस बेटा सेल फोन साइलेंट कर लो, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि सर हम जो है ना वो किसके अंदर आ जाए, हम 45% के अंदर अंदर आ जाए, इसके अंदर 45% के। सीधी सी बात, हमें वो बताओ कि हम 45% के अंदर आ जाए, पहला टारगेट ही हमारा ये होना चाहिए। बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, कि सब्जेक्ट को पढ़ना किस तरीके से सारी चीजें, लेकिन सारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि अंडर 45%, ठीक है ना। हमारे पास टोटल तकरीबन 10 हफ्ते, अगर आप अभी से अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो एग्जाम के अंदर नॉर्मली 10 हफ्ते का ही टोटल वर्कआउट होता है, जिसके अंदर आपको प्रिपरेशन भी करना है, अगर कोई असाइनमेंट है तो असाइनमेंट पे भी काम करना है, रिविजन है, तबानीज वाले मॉक पे बात करते हैं तो मॉक भी करना है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे। अच्छा, प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी हम आपको बता देंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये 100% कंपलसरी एग्जाम है। अच्छा, सबको ही पता है यार, नहीं बात तो नहीं है, स्किल मॉड्यूल में पेपर, इसलिए मैंने पूछा था सबको, ठीक है ना भाई, स्किल मॉड्यूल पे वैसे तो एसीसी का ए टू जेड सारा पेपर ही खत्म हो गया, सारा एग्जाम ही 100% कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब है नो चॉइस, अगर आपको वहां पे कुछ नहीं आता तो नहीं आता, कोई चीज नहीं आती तो नहीं आती, खत्म हो गई बात। और देखें 2017 से, बल्कि 2014 से पहले ना, 2014 से पहले, हम तो 2006-07 से पढ़ा रहे हैं, 2014 से पहले जो है ना एग्जाम के एग्जामिनर के पास इतना लेवरेज नहीं था कि सिलेबस का हर कुछ एग्जामिन करे। अब अगर मैं तुमसे एक बात ऐसी पूछूं तो तुम मुझे बताओ, तुम स्किल मॉड्यूल में जब पेपर अटेम्प्ट करते हो तो कितने क्वेश्चन तुम, कितने अलग अलग क्वेश्चन तुम देख रहे हो। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर सेक्शन ए है, 15 आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो 15 होगा ना मल्टीप्लाई बाय 230, 15 हो गए कि मतलब 15 डिफरेंट क्वेश्चंस हो गए ना, हर क्वेश्चन अलग। फिर उसके बाद 3 ओटीक्यूज के केसेस हैं 10-10 मार्क्स के, तो 15 क्वेश्चन फेस किए आपने, फिर 3 क्वेश्चन और फेस किए केसेस, तो 18 तो ये होगा, 18 क्वेश्चंस होगा, छोटे बड़े कुछ भी। फिर उसमें भी वैरायटी के, एक ओटीक्यू के अंदर 2 सिलेबस एरिया। फिर आप आ जाए किसके अंदर, सीआरक्यूज में, सीआरक्यूज में यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे। अब 2 क्वेश्चंस कहने को हैं ए बी सी पार्ट, फिर ए पार्ट में भी लिखा होता है एंड से पहले एंड के बाद, तो यार अगर आप और से देखें 15+3 18 18+3 21 क्वेश्चन तो पक्के हैं, 21 क्वेश्चंस कम से कम पार्ट्स नहीं करें तो। तुम मुझे एक बात बताओ, 100% कंपलसरी का मतलब है ACCA ने पेपर स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया कि इसका मतलब है अब वो हर कुछ कहीं ना कहीं एग्जामिन करेगा, तो स्मार्ट बेसिकली एग्जामिनर है। अगर आपने कोई मिसाल के तौर पे एक MCQ गलत किया है ना, तो इसका मतलब वो सिलेबस एरिया आपका वीक है या आपने शो कर दिया उसको, तो इसका मतलब पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, ठीक है ना। देखो भाई, मैं कुछ बातें ना बहुत ब्लंट बोल देता हूँ, अब जो है ना पूरी दुनिया का ट्यूटर कोई भी होशियारी कर ले, वो ये भाषण नहीं दे सकता ये मेरे नोट्स कर लो बेटा हो जाएगा, नहीं तो चल रहा होता ना आखिर में इसके कर लो, मैं मुंह नहीं खोल रहा भी पूरा, आहिस्ता तो खोलूंगा, ये कर ले बेटा ये कर लो, सब बकवास सब बकवास। अब तो स्टूडेंट को करनी पड़ेगी सही एफर्ट, ऑनेस्टी, उन्होंने आपको पकड़ी ऐसे लिया, ये क्वेश्चन कर लो ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं, जो पेपर का सही तरीका है ना क्वालिफाई होने का भाई, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई चोरी रास्ता नहीं, ठीक है ना। अगर कोई भाषण दे ना तो डायरेक्ट उसको फेसबुक से मुझसे कनेक्ट कर देना, बोले इससे बात करो, इतना ओपन बोल रहा हूँ मैं, हाँ वो जो भी बोल रहा है ना, नहीं देखो डेज का मैटर नहीं, 30 दिन 15 दिन, आप एक हफ्ते में प्रिपरेशन करो, लेकिन जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है ना वो आपको मीट करना पड़ेगा, वो एक हफ्ते में करो, एक महीने में करो, 3 महीने में करो, ये नहीं हो सकता कि उसको स्क्वीज कर दें, पढ़ना तो सब पड़ेगा, ठीक है, आप नहीं कर सकते, वैरायटी बहुत है, ठीक है। एक बात तो कंपलसरी एग्जाम, इसका मतलब अगर कुछ नहीं पढ़ा छोड़ दिया हमने तो हम वहां पे लूज करेंगे, ठीक है ना।
अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो ये ना स्किल मॉड्यूल का लास्ट एग्जाम है। देखो मैं मानता हूँ, मैं आपको एक बात बता दूं, एक जगह पे एक डिस्कशन चल रहा था मतलब ट्यूटर्स का, और ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है बात, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक हद तक। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें पता अच्छी तरीके से पेपर के नाम चेंज उन्होंने ना, अब ये इस तरह से नहीं होता है F5 F9, ठीक है ना। तो एक जगह ट्यूटर कहीं ACCA ने बोला हुआ, बट ट्यूटर फोरम में डिस्कशन हो रहा था, बात सही है बिल्कुल, कि अब ACCA जो है ना वो खुद चाहते हैं स्किल मॉड्यूल के जो पेपर्स है ना उसकी नंबरिंग के बजाय उसने नाम रख दिए AAFM। तो वो अब इसको बेसिकली डिस्करेज करना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस है, वो आपकी मर्जी है, कोई भी पिक कर ले, ठीक है ना। जैसे FM है, डबल है, अब सीक्वेंस नहीं है ना यार, पहले तो सीक्वेंस है ना 5 6 7 8 9। मैं इस बात पे ना 50% इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि यार देखो हर एग्जाम को पढ़ने के लिए ना एक माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम माइंडसेट। तो मैं ये समझता हूँ FM का पढ़ने के लिए ना स्टूडेंट का एक माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं कभी भी उन स्टूडेंट्स को मैं मना कर देता हूँ यहाँ पर भी, और अगर ऑनलाइन में यहाँ पे तो कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आया उन कैंपस, ऑनलाइन में भी मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जो F1 2 3 दे के डायरेक्ट F9 पिक कर, मैं मना करता हूँ। मैं तो नहीं यार, स्किल मॉड्यूल कम से कम एक दो पेपर आपने अटेम्प्ट किया हो ये जरूरी है, क्योंकि हर एक का ना एक बेयर मिनिमम आपको एक कैलिबर रिक्वायर्ड। तो FM के लिए भी ना यार, एक मैं नहीं कह रहा आपने F7 क्लियर किया, मैं नहीं कह रहा आपने F6 क्लियर किया, मैं नहीं कह रहा F8 F5 कोई भी, मैंने कहा दो पेपर कोई भी ना आपने अटेम्प्ट किया, एक मैच्योरिटी रिक्वायर्ड है FM को पढ़ने के लिए। वो मेच्योरिटी के लिए ना हम कहते हैं यार एक तो पेपर क्लियर, इसलिए मैं कहता हूँ यार ये लास्ट स्किल मॉड्यूल है। क्यों? क्योंकि देखो एक बात तो हकीकत है, तुम्हें नजर आ जाएगा F8 में भी F9 में भी, खासतौर पे F9 में, कि तुम इसके बाद जो है ना जाओगे प्रोफेशनल एग्जाम में, और जब प्रोफेशनल एग्जाम में जाओगे ना तो उसका एक स्टैंडर्ड है, तो जब यहां से शिफ्ट हो गए ना तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा कि जब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ SBR में, SBL में या फिर कोई भी ऑप्शनल पेपर के अंदर, तो यार एक स्टैंडर्ड मैंने मेंटेन किया, वो स्टैंडर्ड जो है ना आपको रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर, मैं नहीं कह रहा टोटल होगा, वो स्टैंडर्ड की कुछ रिफ्लेक्शन, वो कैलिबर ऑफ एग्जाम का रिफ्लेक्शन खास तौर पे CRQs में थ्योरी में वो यहां नजर आएगा। इसलिए मैं कहता हूं स्किल का लास्ट पेपर है, ये अच्छा पेपर है, पासिंग रेट में इसको अच्छा कहता हूं, डबल ए जैसा नहीं है, सीधी सी बात है भाई, PM की तरह नहीं है, पासिंग रेट भी अच्छा है इसको। अच्छा दूसरी बात ये देखो, इसमें बात करेंगे हम, इट्स ऑल अबाउट धंधे की बात करेंगे, और तुम्हें पता है कोई भी धंधा छोटा होता होता नहीं है, देखिए कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, सब बड़ा होता है, इट्स ऑल अबाउट। देखो दो बातें दिमाग में घुसा लो, फाइनेंस इज ऑल अबाउट वेल्थ, पैसा मनी कैश, इसके ऊपर बात होगा। मेमन कौन है? बगैर मेमन के तो क्लास ही नहीं होती, निकल आए ऑनलाइन में भी कोई ना कोई होगा ऐसा, आज तक 2006 से लेके आज तक नहीं हुआ मेरी क्लास में कोई मेमन ना हो, फाइनेंस पढ़ो मेमन ना हो ऐसे क्या सोचता है यार। सो इट्स ऑल, देखिए बेसिकली मेमन एक अप्रोच का नाम है, सो इट्स पॉजिटिव गेस्ट है ना, मैं मेमन नहीं हूँ लेकिन मेरा ब्रॉटअप बहुत ज्यादा, मेरे दोस्त ज्यादातर मेमन है, और वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी का तकरीबन 40% जो है वो मेमन है, यहाँ पे मेमन भी बैठे हैं आप, तवानी साहब भी मेमन ही है, सो खैर वारन। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स ऑल अबाउट द अप्रोच रिलेटेड टू द कैश, पैसा ये आपके पास। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इट्स, किसी ने कहा ना, किसी के सीनियर ने कहा मिक्सचर है F7 का PM का, मिला मुझसे, ओ भाई एक मिनट, वट एवर यू स्टडीड इन F8 F7 दैट्स ऑल अब इवन TX दैट इज ऑल अबाउट पास्ट, आपने कमा लिया फिर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, आपने बिजनेस कर लिया ट्रांजेक्शन हो गई फिर रिपोर्टिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग IFRS, ठीक है ना, आपका बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो गए, एक साल गुजर गया आप ऑडिट करेंगे,
All these subjects are past. But this is what? Future. It's all about future. इसमें कोई भी जिंदगी में फाइनेंस पढ़ो, कोई भी फाइनेंस पढ़ो, एडवांस फाइनेंस पढ़ो, सीएफए करो, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी. इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी का मतलब ही क्या होता है? प्लानिंग. आगे की बात करो, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी दैट्स ऑलरेडी हैपेंड. तो सबसे पहला डिफरेंस है ना, F7 को, F7 का डेटा यूज होगा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट डेटा यूज होगा, लेकिन वो किसी स्ट्रेटजी के अंदर यूज होगा, उसके प्रिंसिपल्स रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते हैं. तो भूल जाए, इट्स नॉट अबाउट द F7. दूसरी बात, इट्स नॉट अबाउट F5. F5 में भी बहुत सारी चीजें प्लानिंग होती है, क्योंकि F5 के अंदर शॉर्ट टर्म है. हम यहां पे सब क्या पढ़ेंगे? इट्स अबाउट फ्यूचर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग. और मेमन अप्रोच तब लिख तो सकते नहीं, इट्स अबाउट मेमन अप्रोच. वहां पे वो लेगा एग्जाम में ये क्या लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे इट्स एन एंटरप्रेन्योर अप्रोच. ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर अप्रोच पे बात करेंगे. इट्स अबाउट एंटरप्रेन्योर अप्रोच. इनमें से किसी एक को तो जानते होंगे आप, मेरे से वैसे तो पाकिस्तानी मालिक रियाज की तस्वीर रखनी चाहिए और नहीं तो क्या. वैसे अभी करंट सिनेरियो में मालिक रियाज के बजाय आसिफ अली जरदारी की तस्वीर लगनी चाहिए. गेम चेंजर है. और 28 को हो गया ना, तो मैं सबसे बड़ा गेम चेंजर भाई. इस वक्त देखिए जितने भी टोटल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं, 300-350 ऐसी कुछ है ना, मतलब ऐसे 172 को मेजोरिटी ऐसी कुछ है. तो इस वक्त हो क्या रहा है, वो जो 350 लोगों की सीट है वो अपने इन्वेस्टमेंट को सोच रहे हैं ना. इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट है. पॉलिटिशियन का पैसा लगा, रिटर्न होगा. ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है इस वक्त, अबे भाई पता आईफोन है यार, इसमें साइलेंट का ऑप्शन नहीं है क्या? सो भाई सबसे बड़ा इन्वेस्टर सदारी साहब इस वक्त पैसे बांट रहे हो. अच्छा भाई ये यहाँ पे कोई ज्याला तो नहीं बैठा हुआ है? तो नहीं. अच्छा मैं नहीं हूँ. सो ऑनलाइन में वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है, अल्लाह ताला रहम करे. सो कहने का मकसद है, देखो भाई इट्स ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योर ना, ये जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं ना ये एंटरप्रेन्योर है. अब इनमें आप बिल गेट्स को पिक कर लें, रिचर्ड ब्रांसन को कर लें, आप स्टीव जॉब, खैर ये बाहर की भाषा नहीं, लेकिन जो भी है. अब कहने का मकसद ये, देखो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आराम से सुनेगा, F9 थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ. F9, ठीक है ना. सबसे पहली बात ये कि दुनिया में कभी भी फाइनेंस को स्टडी करोगे ना, फाइनेंस को स्टडी करोगे तो उसकी एक अप्रोच होनी चाहिए. पता चला हमने सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, हमें पता ही नहीं है कि रोड मैप क्या है, हमें सोचना कैसे. तो मैंने कुछ बात बताई है. देखिए दो तरीकों से अपना माइंडसेट बना सकते हैं. या तो अपने आप को अज्यूम करें सेठ, एंटरप्रेन्योर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सही है, पैसा लगाना है, स्ट्रेटजी सोचे. या हम सोचे गुलाम. गुलाम का मतलब क्या? नो अकाउंटेंट. हम किसी को पैसा कमा के देंगे. ठीक है, मैं जब आप एसी से क्वालिफाइड, आपने कहा ठीक है मुझे जॉब चाहिए फाइनेंस मैनेजर, तो फाइनेंस मैनेजर और एंटरप्रेन्योर दोनों की सोच एक जैसी होती है. फर्क क्या होता है? एंटरप्रेन्योर कहता है मैं खुद, मतलब मैं खुद हूं ना, मैं कमाऊंगा. और फाइनेंस मैनेजर एंटरप्रेन्योर के बराबर में बैठा होता है, उसको सपोर्ट कर रहा था, सर ऐसे से पैसे कमाओ, मेरी तो औकात है नहीं, पैसे तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें बता दूं. ठीक है, तो सबसे पहली बात, अप्रोच टू स्टडी एज ए फाइनेंस मैनेजर और कंट्रोलर. मतलब इस किताब में ना वर्ड एंटरप्रेन्योर नहीं लिखा हुआ है एज फाइनेंस मैनेजर. अच्छा पहला स्टेटमेंट पता है किताबों में क्या लिखा होता है? आराम सुने, स्टेटमेंट सुने, अब लिखने की जरूरत है, सुने. जो लिखने का होगा अभी पढ़ाई शुरू करेंगे उसके अंदर हो जाएगा. फाइनेंस मैनेजर सबसे पहले उसमें किताबों में लिखा होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ सेट. अबे शेयर होल्डर कौन है, पैसा लगाया ना उसने. द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. क्या शेयर होल्डर जिन्होंने पैसे लगाए उनके पैसों को मैक्सिमाइज कैसे करें?
सीधी सी बात, सोचना ही ऐसे कैसे होगा भी बात करते हैं। तो हम कौन होंगे यहाँ पे? फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, एक बात। दूसरी बात ये कि इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर, इट्स नॉट अबाउट रिपोर्टिंग। यानी कि सब कुछ पास्ट होगा, फ्यूचर सॉरी सब कुछ फ्यूचर होगा, पास्ट का कोई ताल्लुक, यानी कि हम कोई IFRS नहीं पढ़ रहे, हम कोई अकाउंटेंट नहीं है। बट अकाउंटेंट छोड़ दें आप, अकाउंटेंट छोटा आदमी होता है, ये क्या लगवा दे 6 बजे के बाद मुझे SBR ही पढ़ाना है तो रिपोर्टिंग बना रही। सो द पॉइंट इज दैट के अकाउंटेंट अपनी जगह पे, वो पूरी दुनिया IFRS एक पूरी दुनिया है यार, लेकिन फाइनेंस मैनेजमेंट थोड़ा उसके अलग टैग होता है ना, वो बराबर वाली कुर्सी पे बैठा होता है। सो माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर नॉट एन अकाउंटेंट। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं कहूं, मैं आपको समझाता हूँ ना, मैं आपको कहता हूँ ये जो तस्वीर है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये आपने अपनी जिंदगी में कितनी मरतबा देखी? अबे ज्यादा हो गया, तो मेरे साथ का थोड़ी तू, सैकड़ों मरतबा होगी। इनकम स्टेटमेंट बहुत कुछ है, तो क्या बात कर रही है आपने, आपने बहुत पढ़ा है, बनाई भी है खुद। अच्छा मैं आपसे पता ही क्या समझा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यार आज क्लास में बाहर जाए ना तो आप ये सोच के जाए FM इट्स नॉट अबाउट अकाउंटेंट। हम अकाउंटेंट नहीं होंगे यहाँ, हमारी अप्रोच होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कैसे होता है? जैसे वो सोचेगा वैसे हम सोचेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मिसाल के तौर पे किसी से क्वालिफाइड बहुत बड़ी इंडस्ट्री, लेट सपोज सीमेंट सेक्टर है, बड़ा गेम, बड़ा सोचे, ये आप नहीं है, इतनी औकात नहीं है, मैं भी नहीं हूं भाई, मैं आई मीन के इस कंपनी का चेयरमैन, ठीक है ना, ये प्लांट बताता हूं, मैं ये हूं अगर आपको नजर आ रहे। अच्छा मैं अकाउंटेंट हूं भाई, अकाउंटेंट कौन? छोटा आदमी मैं भाई, ठीक है सीधी सी बात, अकाउंटेंट मैं कौन? जो भी ट्रांजेक्शन इसमें होती है ना, बताता हूं तुझे बेटा, जो भी ट्रांजेक्शन होती है ना, मैं मुझे बोला गया भाई तू बैठ के जो है ना रिकॉर्ड कर भाई F7। अच्छा वैसे F7 पढ़ाने वाले मेरे बॉस हैं, सो द पॉइंट इज दैट मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन बहरहाल भाई आप रिकॉर्ड करें। अच्छा अब हुआ ये, मैं आपको एक कम्युनिकेशन सुनाता हूँ। एक साहब आए, ये है प्रोडक्शन मैनेजर, ये है प्रोडक्शन मैनेजर, और ये कहते हैं ये कम्युनिकेशन हो रही है किसके बिटवीन? अच्छा भाई एंटरप्रेन्योर को बोला जाता है ये जो कम्युनिकेशन है सुनना, ये बोला जाता है एंटरप्रेन्योर को, आराम से सुनेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंटरप्रेन्योर को बोला जाता है कम्युनिकेशन चल रही है ना, कम्युनिकेशन क्या चल रही है? ये प्रोडक्शन मैनेजर कहता है सर ये सीमेंट इंडस्ट्री आपकी है, मैं यहाँ पे 4 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, और आपका बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, बट इनफ इज इनफ, ठीक है ना, हम अपनी हाईएस्ट पीक प्रोडक्शन पे हैं, अब ग्रोथ आपकी जो ग्रोथ है ना, मतलब जो मार्केट में ग्रोथ है कंटिन्यूअसली, उसको ये प्रोडक्शन सेटअप जो है ना वो मैच नहीं कर रहा, वी वांट टू एक्सपेंड, हमें एक्सपेंड करना है, अब हमें एक और प्रोडक्शन प्लांट लगाना है ताकि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करें, पढ़ाएं। अच्छा ये एंटरप्रेन्योर है, ये इसकी बात सुन रहा है, यार मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, सवाल ये है, अभी थोड़ी देर पहले ये पिक्चर थी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस, ये एंटरप्रेन्योर क्या ये सोच रहा होगा कि ये मशीन मैं खरीद लूं अगर तो डेप्रिशिएट कैसे होगा, इसकी लाइफ कितनी होगी, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, ये एंटरप्रेन्योर कैसे सोच रहा होगा? वो ये कह रहा होगा यार जो भी बातें कर रहा है ना, आराम से सुनना, जो भी बातें कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर, बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है। बैलेंस शीट में एक साइड होता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अगर मुझसे चाहता है तो मैं पैसे कहां से लाऊंगा? पैसे या तो डेट्स होंगे या इक्विटी होगी, और मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं प्रोडक्शन मैनेजर की बातों में नहीं आ सकता जब तक कि मुझे यह नहीं पता होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद इससे इतना प्रॉफिट जनरेट करूं कि जो फाइनेंस वालों से पैसे लिए उनको
वापस कर सकूं, रिटर्न दे सकूं सारी चीजें, यस और नो? आराम से सोचेगा, जब हम एफ आर पढ़ रहे होते हैं F7 तो क्या हम ऐसे सोचते हैं? ये जो मैं हूं ना, मैं इस कम्युनिकेशन के अंदर ये नहीं सोच रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट के पैसे कहां से आएंगे, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कैसे होंगे। मैं तो ये सोचूंगा अगर इसने मशीन खरीद ली कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करूंगा, लाइफ कितनी होगी, रेजिडेंट, मैं अपनी जगह पे सही हूं, लाइफ कितनी होगी, रेजिडेंट वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ जो है वो एसेट क्या होगा, डेप्रिसिएशन का सिस्टम क्या होगा, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। लेकिन मेरी दुनिया अलग है एज एन अकाउंटेंट, और एंटरप्रेन्योर जैसे सोच रहा होगा वो अलग है। हम सबको यहाँ फाइनेंस मैनेजर में, फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एंटरप्रेन्योर के हिसाब से सोचना है कि एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है। एंटरप्रेन्योर सोच रहा होता है किस तरीके से कि इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर स्ट्रेटजी, ये तीन चीजें सोचता है। चैप्टर वन की छोटी सी बात बता रहा हूं, नंबर वन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नंबर टू फाइनेंसिंग पॉलिसी, नंबर थ्री प्रोवाइड द रिटर्न्स जिसे डिविडेंड कहते हैं उसकी पॉलिसी। ठीक है, एक और बात माइंडसेट कर लें, हम सब यहां पे जब पढ़ेंगे ना, स्टडी करेंगे ना, हम सोल प्रोप्राइटर पे बातें करेंगे ना, हम पार्टनरशिप पे बातें करेंगे ना, हम प्राइवेट लिमिटेड बात करेंगे, बहुत लिमिटेड करेंगे, हम ज्यादातर बात करेंगे लिस्टेड कंपनी। हाँ, वो जो लिस्टेड कंपनी होती है ना बच्चों, वो लिस्टेड कंपनी क्या होती है, वो लिस्टेड कंपनी ये होती है कि जिसमें जो पैसा लगाता है ना शेयर होल्डर, वो बाहर होता है और पैसे को यूज करने वाले कोई और होते हैं कंपनी मैनेजमेंट। और हम लोग कौन है, फाइनेंस मैनेजर, जिसकी जिम्मेदारी क्या है कि जो शेयर होल्डर से पैसे लिए ना, उन पैसों को ऐसे यूटिलाइज करो कि इनका वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइज। तो उसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, नंबर वन इन्वेस्टमेंट ढूंढनी पड़ेगी, बिग इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है ना, मिसाल के ऐसी मैं बात कर रहा हूं आपके, मिसाल के तौर पर फीफा कप है ना, इसी साल है ना, कतर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, आप यूक्रेन की वॉर को वॉर समझ रहे हैं, इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी भी समझ रहा होगा कितनी जगहों पर। दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर गैस का डेफिसिट होगा तो वही एक अपॉर्चुनिटी होगी, पाकिस्तान के अंदर अगर गंदम नहीं आएगी यूक्रेन से अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान गरीब मुल्क है आपके पास, लेकिन रिकॉर्ड सेल हो रही है गाड़ियों की, लग्जरी गाड़ियों की। ठीक है ना, इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था कि फूड पांडा पे कुछ क्राइसिस आए हुए हैं वर्ल्ड वाइड, अपॉर्चुनिटी, अपने मतलब का सोचना है बस, बाकी भाड़ में जाए। आप अपॉर्चुनिटी सोचेंगे ना, एंग्रो ने, पुरानी बात बता रहा हूं, एंग्रो ने फूड्स बेच दिया, ऑलपर्स वगैरह पे एंग्रो का नहीं है। ठीक है ना, फूड्स बेच दिया, ठीक है ना, बेचने के बाद नई इन्वेस्टमेंट करी, अब वो नई इन्वेस्टमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। पूरे पाकिस्तान में टावर्स लगाए उन्होंने और रेंट पे दे रहे हैं। ठीक है ना, मोबाइल लिंक और ऐसे कंपनीज को बोला तुम टावर्स लगाते ना मत लगाओ, तुम रेंट पे लो, हम लगा के देंगे। उन्होंने कहा यार ठीक है, हम तो टेलीकॉम कंपनी, हमारा काम थोड़ी है, फार्मा जाओ ये लो, पाकिस्तान में मोनोप्लीस वगैरह वो है ही नहीं अपॉर्चुनिटी, और किसी के पास, और किसी ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, उसने कर दी। ठीक है ना, टोयोटा ने आइडेंटिफाई किया गैप और यारस लॉन्च कर दी। भाई अकाउंटेंट बन के नहीं सोचे ना, एंटरप्रेन्योर बन के सोचे, और क्या ही बात, सबसे बड़ा इन्वेस्टर तो बस सरदारी साहब है। उन्होंने कहा राइट टाइम है, नो कॉन्फिडेंस वोट। अब देखते हैं 27-28 को जा रहे हैं ना इस्लाम वाला आप लोग, अबे वो भी तो है, वो तुमने कंसीडर नहीं किया। सो खैर बार, सो द पॉइंट इज दैट माइंडसेट मस्ट हैव टू डेवलप लाइक एन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, पैसा कहां से आएगा। अच्छा याद रखिएगा, जो परमानेंट पैसा होता है ना वो शेयर होल्डर का होता है, लेकिन टेम्परेरी पैसा डेट होल्डर का भी होता है। 10 साल का लोन ले लिया है, 5 साल का लोन ले लिया है, सपोर्ट मिलता है ना उसके अकॉर्डिंग, ये एक अलग बात है, उसमें सूद देना पड़ता है। ठीक है, उसमें मनुष्यत होती है उसमें, लेकिन बहरहाल हमारी दुनिया के अंदर ये
एग्जिस्ट करता है. सो इक्विटी फाइनेंस होता है डेट फाइनेंस, वो पढ़ेंगे कब इक्विटी कब डेट्स. यानी कि पूरा जो सब्जेक्ट है ना वो इसी पे फोकस होगा. क्या? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फाइनेंसिंग पॉलिसी. और याद रखिएगा एक और बात, दो लोग पैसे लगाते हैं, इक्विटी होल्डर और डेट होल्डर. डेट होल्डर को रिटर्न देने की पॉलिसी नहीं होती. किस बात की पॉलिसी? बैंक से लोन लिया है, सूद तो देना ही, लेकिन डिविडेंड हमारे डिस्क्रिशन पे होता है. यानी कि रिटर्न की पॉलिसी बनानी पड़ती है. भाई ये तीन ही चीजें हैं. कहने का मकसद ये बच्चों, इधर ये एक पिक्चर है ना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, इसको देखने के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. अकाउंटेंट कैसे देखता है? मेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे सोचता है? कहता है भाई ये मेरी बिजनेस की स्ट्रेटजी है. अब तुम पढ़ो ना इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या होगी. मैंने बैलेंस शीट में एसेट जगह पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स. अब सोचे इन्वेस्टमेंट, मशीन खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है. अभी बोला मैंने एक्सपेंशन करना है. नया प्रोडक्ट टोयोटा ने यारिस लॉन्च की, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, न्यू मार्केट में एंटर होना. ठीक है ना, ऊबर करीब पाकिस्तान में नहीं थे, एक्सप्लोर किया उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट को, न्यू मार्केट में एंटर हूं. ठीक है ना, बहुत सारी नई गाड़ियां भी आ रही है ना, चाइना एंटर हुआ है चंगन के अकॉर्डिंगली, और भी कितनी कंपनीज आ रही है. किया है पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया उसने, न्यू मार्केट्स आपके पास. बहुत लिमिटेड पढ़ेंगे लेकिन असल डिटेल तो बाद में पढ़ेंगे. एक्विजिशन भी होता है, मिसाल के तौर पर एक बैंक ने दूसरे बैंक को क्या किया, एक्वायर कर लिया. अभी अगर आपको अंदाजा है, मुझे नहीं पता, लास्ट ईयर की बड़ी हॉट न्यूज थी, आपको पता होना चाहिए, उबर ने करीम को एक्वायर किया. जैसे पाकिस्तान में मोबाइल लिंक ने वारिद को क्या किया, एक्वायर किया. इन्वेस्टमेंट है. सो दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट्स. आगे चल के बात पढ़ेंगे. इन्वेस्टर छोटा हो या बड़ा हो, अप्रोच एक ही है. ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, किसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है. यानी कि एक फ्रूट सेलर भी ना बेटा, वो भी इन्वेस्टर है, सोचता वो भी वैसे ही है. और मलिक रियाज, मियां मंशा, बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तान के, उनकी अप्रोच ही वही है. डिपेंड किया अल्लाह ताला ने किसको कितना एलोकेट किया हुआ है चीजों को. दूसरी तरफ है, इन इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए फाइनेंस कहां से लाएंगे, इक्विटी फाइनेंस या डेट्स या मिक्सर. लेकिन कहीं से भी लेके आए, आप रिटर्न्स पे बातें करेंगे तो हमें जो सोचना है ना, वो ऐसे सोचना, कभी मौका मिला करो ना, ये जाया करो. पता नहीं हम लोग इतना इंट्रोवर्ट होके क्यों सोच रहे होते हैं, घरों में बैठे होते हैं सारी चीजें. स्टार्टअप्स के आपके पास डिफरेंट हो रहे होते हैं यार, इवेंट्स हो रहे होते हैं, वहां जाया करो भाई, देखा करो. इन्वेस्टर सवाल क्या कर रहे हैं, तुम तो फेसबुक पर देखे, वो इंडिया के प्रोग्राम, ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्राम, उसी में खुश हो जाते हो तुम लोग. जो भी है वो, कोई भी हो, मतलब द पॉइंट, मगर आप लाइव जाके खुद देखे ना यार, कितने स्टार्टअप्स के इवेंट्स होते हैं, वो देखिए आप इन्वेस्टर सवाल कैसे कर रहा होता है, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करके ला कैसे रहते हैं, फिर खुद भी कर लिया करें. कुछ नहीं यार, अब तो क्या दराज में दुकान खोलने. अबे ये भी नहीं, यही है कुछ कर भाई, F9 इट्स मोर देन एनफ. पैसे कमा, कब तक अम्मा अप्पा के पैसों को टुकड़े, खासतौर पर लड़कों को कह रहा हूं. और नहीं तो क्या यार, एक्सप्लोर करो अपने आप को, ये आपको सोचना ऐसी पड़ता है. खैर आगे कम टू द पॉइंट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. देखें अब आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये तो एक सब्जेक्ट का अप्रोच है. ठीक है सर, हमें ये माइंडसेट डेवलप करना है इस तरीके से. अब इस सब्जेक्ट किस तरीके से वर्कआउट करना है, देखो भाई समझ है ना, ये और इसका, इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया ना. देखें आप बैठे हुए कॉकपिट पे, आप पायलट, मैं रॉकेट नहीं कह रहा, लड़के समझते हैं रॉकेट का मतलब क्या है. मैं कह रहा हूं आप पायलट हैं. सो द पॉइंट इज दैट पायलट, जब पायलट को जगाया जाता है, वैसे तो सारा क्रूसोनिक होता है जहाज भी, ये थोड़ा पुराना मॉडल है, नए वाले मॉडल सारे क्रूसोनिक होते हैं, खुद चल रहा होता है, उसको जगाते हैं, लैंडिंग का टाइम आ गया. अच्छा ठीक है, जब लैंडिंग का टाइम आता है तो सबसे जब उसको ये नजर आता है ना रनवे, तो पहला काम पता है क्या करता है, वो अप्रोच बनाते हैं. किसी भी पायलट से पूछ लेना, गूगल कर लेना, वो पहला काम करते हैं, पहला क्या करना, अप्रोच सही नहीं हो अल्लाह ना करे,
देखो बेटा 49 जो है ना वो ये होता है, यस और नो, ये 49 है। तो अब घर वालों को मैं ये नहीं कह सकता 49, 48 एक नंबर से तो रह गया हूं। और वैसे भी ACC के मैंने अक्सर सुना है स्टूडेंट्स का वो जो है ना डिफरेंट किस्म के नाम ले रहते हैं, कहते हैं सर मैं फेल थोड़ी हूं, फ्लंक हो गया। सो खैर बहरहाल, तो कहने का मकसद ये कि देखिए आप कुछ बातें कर लेते हैं कि जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कॉकपिट पे बैठे हुए हैं तो हमें राइट अप्रोच क्या बनाना है। देखो बेटा दो तरीके से, एक तो सबसे पहली बात ना किल कर दो एक बात को, तुम्हारा 70% पेपर थ्योरी होगा। है मैं नहीं कर रहे हैं ये वाली आवाज में नहीं कर, हाँ नहीं कर रहे हैं, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, फजूल सी बातें मत क्या कर रहे हैं। अच्छा ये आखिर तक ना, और वो और अल्लाह का वास्ते एक सवाल मुझसे जो है ना आज बता दे रहा हूँ, एक दो दिन और बता दूंगा उसके बाद बर्दाश्त नहीं होता। वो पेपर से 15 दिन पहले भी किताब पढ़नी है, किताब पढ़नी, अबे हाँ पढ़नी है, मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़नी है एक बात। और ये वाले जो आवाज है ना ये बंद कर दें क्या, 70% पेपर थ्योरी को अभी फैसला करना, जाना चले जाए मैं हटा देता हूँ रोस्टम। कोई भी ये सोच के आया ना कैलकुलेशन और सारी चीजें छोड़ दें, मैं इसको मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप खुद बता देंगे अच्छा तो ये मसला है। देखो यार बिजनेस स्टडीज में ना नंबर्स जहां नजर आते हैं नंबर्स, वो दो किस्म के पेपर होते हैं, सुन लें। एक होता है कैलकुलेशन बेस्ड थ्योरी, मतलब जैसे कि आपने पढ़ा F7 रेशो एंड एनालिसिस, तो पहले रेशो कैलकुलेट फिर थ्योरी, ये हो गया कैलकुलेशन बेस्ड थ्योरी। वेरिएंस एंड एनालिसिस, वेरिएंस कैलकुलेशन थ्योरी। अच्छा दूसरी कैटेगरी बिजनेस में नंबर्स वाले गेम में होता है थ्योरी बेस्ड कैलकुलेशन, वो ये रहा। यानी कि सारा बेस जो होगा ना वो किस पे होगा, थ्योरी पे, सारा बेस ही किस पे होगा, थ्योरी पे, और कैलकुलेशन उस थ्योरी की बेस पे होगा। तो आप अवॉइड कर सकते हैं थ्योरी को, लेकिन ये मैंने आपके प्रोपोर्शन के लिए बता दिया है क्या कि 70 आप पेपर में एलोकेट करेंगे तो आपको 70% तक जो है नजर क्या आएगा। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, मैंने थोड़ा सा एग्जैजुरेट किया 5-8% जानबूझ के। भाई अगर 70% थ्योरी और 30 कैलकुलेशन को प्लान करोगे और वहां पे 60% थ्योरी होगा तो कवर हो गया ना, आपने रिस्क हेज कर लिया ना, कवर कर लिया। अब आप पढ़ गया अरे 40% थ्योरी होगा 60% कैलकुलेशन देख लूंगा, बाकी वहां पर फेस किया आपने क्या 60% थ्योरी, तो आपने यार ज्यादातर थ्योरी पूछा था तो बता तो दिया था। अच्छा अब ये सिर्फ बातें नहीं है, अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं मिसाल के तौर पे, मैं आपसे एक ऐसी मतलब बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना, अगर मैंने आपसे बोला है 10 हफ्ते हैं टोटल आपके, 10 हफ्ते हैं और क्लासेस तो अपनी जगह पे है ना, 100-120 घंटे की क्लास होंगी, क्लासों के अलावा 10 घंटे हर हफ्ते कितने घंटे पढ़ेंगे। तो भाई जो भी ईमानदारी से बोल रहे हैं वो 2 घंटे पढ़ूंगा तो गलत थोड़ी यार, धारे का अपने हफ्ते में 1.5-2 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ोगी एग्जाम के आखिरी दिनों में भी। अबे तो मैं एवरेज कह रहा हूं ना, पूरे हफ्ते में 1.5 घंटा फोन करके अभी घर पापे बोलता हूं, मतलब एक हफ्ते में, मैं ऑनलाइन वाले भी अगर आप लोग साथ है तो बता सकते हैं, एक हफ्ते में क्लासेस के अलावा कितना टाइम निकालेंगे आप। बताएं भाई ऑनलाइन वाले भी, अरे ऐसी पूछ रहा हूं यार, मतलब टाइम निकाले नहीं निकालेंगे भाई, कितना पर डे 2-2 आवर्स 8-10 आवर्स कमिटमेंट। मैं इन रिटर्न सबसे बॉन्ड पेपर पे साइन करवा लेता हूं। अच्छा ऑन एन एवरेज अगर नालायक से नालायक भी होता है ना, वो एवरेज में निकालूं क्योंकि एग्जाम के आखिरी दिन में भी पढ़ता है ना, तो वो 8-10 घंटे पढ़ ही लेता है, एवरेज कह रहा हूं वीक में। अबे पागल हो गए और वो काम नहीं क्या, दिन में कह रहा है फार फार है क्या, 8-10 घंटे तो पढ़ ही लेता होगा वीक में यार, इतना तो कर ही लेते हैं यार। अच्छा मिसाल के तौर पे, अच्छा अब असल काम की बात सुनो,
अब असल काम की बात सुनो, अगर 8 से 10 घंटे आपने निकाले हैं खुद और आखिरी दिन में भी कर कर आगे ना, वो तो 24 घंटे होते हैं, आप कहते हैं 36 घंटे हो जाए। तो कहने का मकसद ये कि मिसाल के तौर पे पूरे सेमेस्टर में आपने कहा मैंने 100 आवर्स एलोकेट किए, 100 आवर्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बंदे को स्ट्रेटजी जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए जिसका जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है उसका आखिरी दिन होगा, यानी कि एग्जामिनर वाले दिन। एग्जाम के अंदर पेपर में 60 से 70% थ्योरी हो और बंदा 100 घंटे पूरे सेमेस्टर में पढ़ रहा हो और उससे जब फोन करके या व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेल पे पढ़ो, कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। अगर आपने 80% टाइम कैलकुलेशन पर लगा दिया और 20% टाइम थ्योरी पे, तो पेपर की जो प्रिपरेशन है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। तो इसका मतलब है हम यहां पर आपसे जो बात कर रहे हैं नंबर वन, और आपको भी जो अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी वो बैलेंस करनी पड़ेगी। इफ द पेपर रिफ्लेक्ट 60 to 70% थ्योरी, सो योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मस्ट रिफ्लेक्ट 60 to 70% थ्योरेटिकल। अच्छा दूसरा मैं हकीकत बताता हूं, अच्छा ये मैं आपको कुछ चीजें और आगे बताता हूं। तो पहली बात तो ये कि थ्योरेटिकल बेस एग्जाम पेपर है, ये मैंने बात बताई नंबर वन। अच्छा स्टूडेंट ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन कैलकुलेशन बट ओनली 55 to 60% मार्क्स टू, मैंने एग्जैजुरेट करके जानबूझ के बताया लेकिन ये फैक्ट है पास पेपर का एनालिसिस। 60% तक क्या रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, थ्योरेटिकल। अब आते हैं सिलेबस डिटेल्स में, बेटा 6 एरियाज हैं सिलेबस के, एक एक करके बताता हूं। 6 एरियाज हैं सिलेबस के, वन बाय वन करके बताता हूं, ठीक है ना, क्या है किस तरीके से एग्जामिन होता है सब कुछ वन बाय वन करके। सबसे पहला एक टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन एंड एनवायरमेंट। अब अच्छा अभी से बता दूं मैं, कैप्लान की बुक होनी चाहिए आपके पास, अगर रिवीजन कर थोड़े देर से बाद भी 15-20 दिन बाद भी खरीदें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन ठीक ठाक दे रहा हूँ आपको, स्टार्ट करूंगा। बुक होनी चाहिए पहले दिन से कैप्लान की बुक, और मैं आपको बताऊंगा बुक कैसे पढ़नी। बुक में 50% आपने चीजें पढ़नी, 50% नहीं पढ़नी, ये मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको पहले बता दूं बुक में 50% कैलकुलेशन है, 50% थ्योरी है। जो 50% कैलकुलेशन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जो 50% थ्योरी है उसको 2 मरतबा पढ़नी है। अच्छा क्या मतलब सर, ये किस तरह से आपने बोला है, देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, अगर कैलकुलेशन होती है ना तो हम आपको यहां बताते हैं, आपका दिल लग जाता है, फिर यहाँ सिस्टम ओपन होते हैं, मैं कहता हूं करो साथ साथ, वो भी करते हो, नोट भी करते हो, ठीक है ना, फिर आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, जरा अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट भी करता हूं, तो क्या मोर और लेस कुछ प्रैक्टिस हो जाता है। मींस यू लिसन द लेक्चर, यू राइट विद द एक्सेल एंड इवन समथिंग सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है, बट व्हाट अबाउट थ्योरी, हम आपको समझाते हैं आप सुनते हैं, शायद तुम में से कोई लिख भी लेता है, ठीक है, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस ना जीरो, थ्योरी का सेल्फ प्रैक्टिस, और हर कोई जो है ना सुपरमैन होता है या सुपरवुमन, वहां देख लेंगे, जो चीज अच्छी नहीं लगती ना अबे एग्जाम में देख लेंगे। अबे भाई अल्लाह पाक ने इंसान बनाया अशरफुल मखलूकात, जिसका मतलब है कि आप लर्न करें, सीखें, प्रैक्टिस करें, फिर जाकर आप किसी काबिल होंगे। भाई देखें एक बात अपनी जिंदगी में याद रखिएगा मेरी, एज अ ह्यूमन बीइंग, और बल्कि इनफैक्ट मैं कहूंगा एज अ लिविंग बीइंग, ये नेचर ने कहा है कि हमें रिस्क लेना है, बगैर रिस्क लिए ना हम सीख नहीं सकते। मुझे एक बात बताओ, आप और मैं माँ के पेट से जब निकले थे चलना थोड़ी सीखता था, क्रॉल करते थे ना, गिरते थे, माँ संभालती थी, अब्बा संभालते थे, फिर गिरते थे, फिर चलते थे, फिर आज काबिल हुए हैं, आज परफेक्ट है अपनी वॉक पे, ये नेचर है हर लिविंग बींग के साथ, ये कि सबसे पहले आपको खुद ठोकर खानी पड़ती है फिर आप, लेकिन थ्योरी के अंदर ना आप इस पर लीस्ट कंसर्न होते, पता
बस नहीं चले, वो कैप्सूल मिल जाए मुझे, बस वो दे दो मुझे, पी लेता हूं मैं, खुद ही आ जाए सब कुछ, भागे नहीं इससे। और बेटा मैं एक बात बताऊं, अपने आप को कभी भी ना डिमोरलाइज नहीं करें। अब तो हम ओपन हो गए ना, मतलब हम टीचिंग के अंदर भी इंटरनेशनल ऑडिट, अबे कौन सा यूके की क्वालिफिकेशन, कौन सा यूके का स्टूडेंट हो, कौन सा अमेरिकन स्टूडेंट हो, कहां यूरोप का, सबका यही हाल है। अबे फिर पाकिस्तान ही बेहतर है, वो सबका ही हाल है। बोलो थ्योरी लिखो, वी विल सी इन फ्यूचर, मतलब वी विल कंसिडर, असाइनमेंट दो, कुछ नहीं भाई, ये करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। थ्योरी पे प्रैक्टिस करें, खुद भी देखें, वर्कआउट भी करें, दैट्स इंपॉर्टेंट। पहला सेक्शन होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन एंड एनवायरनमेंट, ये 100% थ्योरी है, 100%। और इसके अंदर जितना कुछ है ना जनरल नॉलेज है। मतलब अगर मैं बोलूंगा आपको, बहुत एग्रेसिव कोई है ना, वो आज ही घर जाके ओपन करे, पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो। दो चैप्टर में बताऊंगा, एक चैप्टर 1 है, एक चैप्टर 9 है शायद, या चैप्टर 11 है, इसी को मैं बता दूंगा। ये जो एरिया ऑफ सिलेबस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन एनवायरनमेंट, जैसे मैंने थोड़ी सी बातें बताई, ऐसी ऐसी बातों बातों में हमने बोला भाई व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, आपने टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। मैंने कहा भाई कैसे होगा, तो आपने बोला भाई फाइनेंशियल मैनेजर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेगा, तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी होगी, कैसे करेगा, फाइनेंसिंग पॉलिसी बनाएगा, वो कैसे होगा, डेट होगा, इक्विटी होगा सब, और रिटर्न पॉलिसी बनाएगा, यानी कि डिविडेंड पॉलिसी। अब इसकी डिटेल्स है सारी, ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, परेशान मत हो, ये भी कॉपीज रखी हुई यहाँ पे, बल्कि यार डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसको, ये अगर किसी को नोट करना है तो कुछ नोट कर लें, ये वाले हटा दो, पुरानी फर्स्ट सारे हटा दो, ये वाले ये नीचे वाले कर दो, ये हटा दो, थैंक यू, आधी इधर दे दो, आधी इधर, इधर दे दो, कम है तो अभी मिल जाएंगे थोड़ी देर, परेशान नहीं, अभी ब्रेक भी दूंगा, मिल जाएगा, परेशान ना हो। ये एरिया ऑफ सिलेबस है, इधर सुनिएगा गौर से बात, ये पहला पॉइंट है, इसमें इसका जो एग्जाम स्कोप है ना, ये 5-10 मार्क्स है, इसका जो एग्जाम स्कोप है कितना है, 5-10 मार्क्स, और ये जो एग्जामिन होता है इट्स, और ये है क्या, अब ये क्या हुआ, व्हाट्सएप पे होगा, ऑनलाइन एक मिनट रुक जाइएगा जरा, अभी चलते हैं तो रुक गया, अभी ब्रेक दूंगा उसमें मिल जाएंगे जरा। ये हैंडआउट्स कितने लोगों ने मिले, एक काम कर देना, फोटो कॉपी को 15 सेट्स और बना दे,
पे कर ले रहा है ना। जी आप ऑनलाइन वालों को भी नोट्स मिलेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा ना, उसमें मिल जाएंगे। हाँ है? डुप्लीकेट हुआ है। मिलेंगे नोट्स। देखिए मैं कुछ बातें कर रहा हूं, अभी ये स्लाइड ऑन हो जाती हैं। देखो मेरी बात सुनो गौर से। बल्कि एक काम करें, 10 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर बात करते हैं। ये 4:15 हो रहे हैं, 4 बजे दोबारा आ जाएं। 15 मिनट का ब्रेक लें, 4 बजे दोबारा बंद कर दूंगा थोड़ा सा, 4 बजे है? यार भाई वो वायरलेस माइक का करो यार कुछ। Thank you.
Father,
I'm going to go to the next one.
Thank you.
यार ये जूम पे हम शेयर कर सकते हैं ना डॉक्यूमेंट, ऑफ तो नहीं है कहां से? क्या फाइल वो तो उसमें है ना, डॉक्यूमेंट में ना, कहां है डॉक्यूमेंट? नहीं नहीं मुझे पीडीएफ भेजना है। हाँ नहीं नहीं मुझे तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट भेजना है। अच्छा इतना डीप जाके क्यों? लो ये क्या हुआ खुले हैं? हाँ शेयर करने ना। हाँ चला गया। हाँ चला गया। हाँ ना शेयर नहीं, मेरा मतलब सॉरी सेंड करना है। एक मिनट सेंड। अबे होता है जूम में, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने ऑफ किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? बोल भाई यार टीचर सेंड नहीं करेगा क्या डॉक्यूमेंट? Silent, silent. इसको तो ऑन करो। Okay, class silent. जी ऑनलाइन में जितने लोग हैं मुझे बताएंगे आवाज आ रही है? ये क्या है? आयो
ऑनलाइन में जितने लोग हैं मुझे रिप्लाई करेंगे, आवाज आ रही है? तो यही कह रहे हैं हेडफोन यूज, ब्रेक हो रही है क्या? आवाज आ रही है? आप रिप्लाई करेंगे ऑनलाइन? आ रही है? कह रहे चले लेट्स थोड़ी देर, देखो थोड़ी देर आ जाना है। हाँ बस वही वही से ठीक है, ठीक हो गया जी क्लास साइलेंट। अरे क्या सभी ऑफ कर देने लाइन सही है ना? अब नजर तो है पीछे, अच्छा ना अभी थोड़ी देर में रुक जाए ना, सबर तो करें हर चीज ना। मतलब ये इरिटेट कर रहा है, चलो अरे ऑनलाइन का आवाज आ रही है सब कुछ? अच्छा मैं 5 मिनट इससे वर्किंग कर रहा हूँ, फिर देखते हैं ना, वरना हेडफोन लगा दूंगा, परेशान हो लो। स्लो है आवाज? हर कोई बिलावल यूटो बन जाता है, ये कर लो। आवाज आ रही है सब? क्लियर है? कुछ तरह रिप्लाई करेंगे तो है। अच्छा 2-3 मिनट रुक जाएं, अदरवाइज मैं हेडफोन यूज कर लूंगा उस पर, ठीक है? रुक जाएं, हो सकता है बेहतर हो जाए अभी। अच्छा देखिए सबसे पहले मैं ये कह रहा था एफएम के सिलेबस के अंदर सेक्शन ए के अंदर 100% थ्योरेटिकल स्टडी। मैंने ऐसे ही कहा आपसे कि भाई इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट बिजनेस करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स जो के अफेक्ट करते हैं, बात करेंगे उसके थ्योरेटिकल। 5-10 मार्क्स एग्जाम में होते हैं आपके लिए काम की बात। सर ये कौन से एरिया में एग्जाम होता? मतलब 3 सेक्शंस हैं, अच्छा रुकते हैं तो बता रहा हूं ना, बता है नहीं मैंने हैं? ये वाला सेक्शन नहीं है। एक मिनट जी, अब बता। आवाज सही आ रही है? बिल्कुल अब तो डेफिनेटली आ रही होगी यार जी। ऑनलाइन पे जितने लोग हैं मुझे रिप्लाई करेंगे, ओके। अच्छा वन सेकेंड बेटा, ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन ए है जो 100% थ्योरी है, आप चाहे तो इसको अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं चैप्टर आइडेंटिफाई कर दूंगा, ठीक है ना?
ये 5 to 10 मार्क्स का एग्जामिन होता है, मैक्सिमम 5 to 10 मार्क्स, और ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए के अंदर आता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए, इसी के अंदर एग्जामिन होगा। सेक्शन बी में भी एग्जामिन नहीं होता, ये बहुत लिमिटेड है, अगर हो जाए तो बहुत लिमिटेड, लेकिन वो होता सेक्शन ए कैलिबर का ही, और सेक्शन सी में इस एरिया को टच नहीं करता, ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, हम स्टार्ट भी इसी से करेंगे, ठीक है ना। और फेवरेट टॉपिक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आसान टॉपिक है, इसमें दिल लग जाता है स्टूडेंट का, क्योंकि कैलकुलेशंस भी है, लेकिन स्टूडेंट समझते हैं सिर्फ कैलकुलेशन है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, मिक्सर है कैलकुलेशन का भी और थ्योरी का भी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो टॉपिक है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, जो एनपीवी आपने पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, बस वो उसी से स्टार्ट करेंगे, यहां से कैलकुलेशन है, लेकिन आपको थ्योरी इग्नोर नहीं करनी, और ये ओवरऑल 20 to 20 आपको ना इधर सुने 25% से लेकर 40% तक पेपर में रिफ्लेक्ट कर जाता, मिनिमम 25% रिफ्लेक्ट करेगा, कंबाइन करके कह रहा हूं। अच्छा, ये आप पहले बता दो, ये कहीं पे भी एग्जामिन हो सकता है, ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, और सी में भी हो सकता है, कहीं पर भी एग्जामिन हो सकता है, ठीक है ना। और हुआ है या नजर आ रहा है बिल्कुल एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इसका एक 25 to 40% जो है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है इसका जो आपके पास है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, पेपर के अंदर 15 to 25 मार्क्स रिफ्लेक्ट करेगा। मैं आपको आपको क्विकली बात बताऊं, आगे चल के भी ठीक है, नॉलेज तो सारे सिलेबस की होनी चाहिए, लेकिन एक चीज स्मार्ट भी होती है, स्मार्ट काम भी तो करते हैं ना यार, ताकि आप अपने आप को सेफ तो करें ना। अबे पाकिस्तान का भी जो हाल है मैच में, तो इस वक्त क्या है, अबे मैच तो बता जीत, आपको बोले यार जीतना है हमें, मुझे नहीं पता कितने लोग अवेयर है इस वक्त मैच का, बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, तो इस वक्त हमारा सबसे पहले क्या है, हमारा सर्वाइविंग है ना। अबे भाई बचा तो नहीं मैच, जीतना तो बहुत दूर की बात है, तो अगर मैं कहूंगा सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल इज 50, जहां पे खानदान में इज्जत लगी हुई है, मेरा बच्चा सीए कर रहा है, पीछे एसी भी लगा है, मतलब पूरा मतलब कोई मजाक थोड़ी, इंग्लैंड से पेपर आते हैं, यूके से, ऐसे ही है ना, मतलब उसके साथ तो ये, उसके साथ तो कुछ और मसाइल भी है, खैर बहर। तो कहने का मकसद ये कि टाइम लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, पर्सा ठीक ठाक एक्सपेंसिव है यार, कितने कितने पाउंड से, 130 pounds मल्टीप्लाई बाय 200, नजर आ रहा है सबके बाप के पैसे हैं, अपना कोई नहीं, 100 pounds का रेट पता होता, 230 ऐसे ही है, तो कम से कम जो है वो कितने 26,000 rupees का पेपर तो हो गई, 29,000 पेपर, फिर फहीम साहब को पैसे देना, मेरा दवा तवानीज को पैसे देना पड़ता है, कम्यूटिंग कॉस्ट अलग, तो सब कुछ मिला मुलोगे 20-50,000 rupees का, अबे बहुत महंगा है यार। चलो खैर बार, तो कहने का मकसद ये 50,000 rupees पे सबसे प्रीशियस चीज तो आपका टाइम, और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अम्मा अब्बा की उम्मीद है, ये सबसे बड़ी बात। तो खैर बार, तो हमें स्मार्टली देखिए, स्मार्टली मैं आपसे जो बात कर रहा था ना, पता ही क्या है, दो एरिया सिलेबस के ऐसे हैं जिसको आप सही तरीके से ग्रिप करें, आज ही बता देता हूं और आगे चल के बात करेंगे, दो एरिया सिलेबस के ऐसे जो सही तरीके से ग्रिप कर लेना, तो आप 35-37 आपका बुक कर लेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और वर्किंग कैपिटल, या आगे चल के बातें करते रहेंगे, इसमें 35-37 बुक कर सकते हैं अगर स्टूडेंट ने ओबे किया, ओबे का मतलब भाई कैलकुलेशन थ्योरी सब, हाँ उसके बाद एक दो शॉट्स लगा के 50 क्रॉस करो, फिर जाओ इंशाल्लाह ताला पोजीशंस हैं इंशाल्लाह, लेकिन पहले तो बंदा यही कोशिश करता है ना कि यार मैं सेव करके अपना 50 क्रॉस कर लूं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको बिल्कुल ऐसे हैंडल करेंगे, जिसमें से एक टॉपिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और एक टॉपिक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग कैपिटल,
लेकिन याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल में आपकी जान निकाल देता है, उसकी एक वजह है, वो मैं अभी आगे बताता हूँ आप। अच्छा, उसके बाद सेक्शन सी जो है वो बिजनेस फाइनेंस है। अगर आप और से देखें तो मैंने सेक्शन बी में बताया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, एनपीवी करेंगे, और भी चीजें बात करेंगे, अभी आज स्टार्ट करेंगे उसको। और दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ है, यानी कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है ना, वो दो बातें सोच रहा होता है, पैसा लगाना कहां से, पैसा आएगा कहां से, ठीक है ना, पैसा कहां इन्वेस्ट करना है टू गेट द रिटर्न्स, और पैसा हम लेके कहां से है। तो पैसे लेके आने की दो चीजें होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक डेट्स और एक इक्विटी। तो हम यहां पे पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस इस जगह पे, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ इक्विटी एंड डायनामिक्स ऑफ डेट्स। ये मिक्सचर है कैलकुलेशन और थ्योरी, और बल्कि मैं कहूंगा इसमें ज्यादातर एंगल जो है ना थ्योरी के। हम यहां पे स्टॉक्स मार्केट भी पढ़ेंगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट में कैसे लिस्ट कराया जाता है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स इशू कैसे करते हैं। हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि लिस्टेड कंपनियों की वो डेट इशू कैसे करती है, मल्टीपल थिंग्स यहाँ पे बात की जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था इट्स मोर अबाउट लिस्टेड। कुछ चीजें प्राइवेट कंपनीज की आएंगी, लेकिन इट्स मोर अबाउट लिस्टेड। तो इसे पढ़ेंगे कि लिस्टेड कंपनी को अगर पैसे चाहिए होते हैं तो उसके क्या क्या सोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, मार्केट्स होती हैं, उन मार्केट्स में कैसे जाया जाता है, क्या मैटर्स हैं, और इसका एग्जाम स्कोप है 10-15 मार्क्स। अच्छा, ये जो बिजनेस फाइनेंस है ना, ये कहीं पे भी एग्जामिन हो सकता है, ए में भी, बी में भी और सी में भी, ये भी कहीं पर भी एग्जामिन हो सकता है, ए पार्ट में भी हो सकता है, बी पार्ट में भी हो सकता है, सी पार्ट में भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके लिए बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अच्छा, फिर एक टॉपिक स्टार्ट होगा आपके पास बिजनेस वैल्यूएशन, एक टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है बिजनेस वैल्यूएशन। अच्छा देखिए, मैंने आपको ना शुरू में एक बात बताई है, और वो क्या बात बताई है मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि देखिए आप लोगों को जो स्टडी करना है ना, उसमें अपना माइंड सेट बनाना है कैसे एंटरप्रेन्योर, ऐसी एक बात बताइए एंटरप्रेन्योर, कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है, वैसे फाइनेंस मैनेजर भी सोचेगा। मतलब याद रखिएगा, जो जिसकी पोजीशन फाइनेंशियल मैनेजर की होगी ना, वो जाहिर सी बात है सेठ साहब का चहेता भी होगा। भाई अकाउंटेंट थोड़ी होता है चहेते, मतलब अकाउंटेंट मुंशी थोड़ी होगा चहेता, चल भाई रिकॉर्ड कर ले यार। असल तो जो मशवरे देने वाले होते हैं, हाँ भाई यहां पैसा लगाए, यहां से ये रिटर्न होगा, आप खुद सोचे ना, वो नजरों में होगा ना। तो हमें सोचना भी एंटरप्रेन्योर अप्रोच पे, जैसे मिसाल के तौर पे। अच्छा, और भी मैं एक बात बताऊं, हम अक्सर पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजों को ना इमोशनली सोच रहे होते हैं। बेटा कारोबार में इमोशंस जो है ना, बिल्कुल साइड पे होते हैं, कोई इमोशंस नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक बात कहूं, अगर लेट सपोज मैं आज डिनर टेबल पे जाऊं और मेरी वालदा मुझसे कहती है बेटा अब घर में एक गाड़ी की जरूरत हो गई है, एक और गाड़ी परचेज करनी चाहिए, थैंक यू बेटा, एक और गाड़ी परचेज करनी चाहिए, तो मैं अम्मी से अगर ये कहूँ, एक मिनट अम्मी मैं एनपीवी कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं अपनी वालदा से कहूँ कि मैं एनपीवी कैलकुलेट करता हूँ, तो चमाट ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट, सुबह मैं ऑफिस जाता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, दरवाजा नॉक होता है सुबह सुबह के टाइम पे, और एक कोई भी इंचार्ज आता है, वो कहते हैं सर गाड़ी की जरूरत है, मतलब कोई भी सुजुकी की जरूरत है, ताकि कैरेज वगैरह का सारा इंतजाम बेहतर हो, और वो मैं उससे पूछता हूं अगर कि क्यों, तो कहते सर ऐसी दिल चाह रहा, नहीं हो सकते ना, वो डिनर टेबल में अम्मा की तरह थोड़ी है। मैं उसको लूंगा एक मिनट पहले जस्टिफाई कर भाई, एक सुजुकी अगर रिक्वायर्ड है, कैरेज का ट्रांसपोर्ट या आपके पास लॉरी रिक्वायर्ड है, तो मुझे जस्टिफाई करो क्यों जरूरत है, बताओ इसको। मैं अगर 10 लाख रुपए की सुजुकी वैन परचेज करूं तो उसका बेनिफिट बताओ, पूरा एनपीवी एनालिसिस करो, ऐसे ही होगा ना। तो इसका मतलब है आराम से, एक मैंने अकाउंटेंट को रूल आउट किया ना, और एक और बात को रूल आउट कर दे, ऐसा कंज्यूमर नहीं सोचना, क्या ना सोचना, कंज्यूमर नहीं सोचना,
अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ सेल फोन, तो आप कहेंगे सर शौक का कोई मोल नहीं है। इस किस्म की स्टेटमेंट कारोबार में नहीं होती। थोड़ी शौक का कोई सर लॉरी ये नहीं खरीद लेते, मर्सिडीज बेंज की लॉरी खरीद लेते, क्यों भाई? कोई जज्बात नहीं, सिर्फ इट्स ऑल अबाउट पैसा, कोई इधी सेंटर नहीं, कुछ नहीं, इट्स ऑल अबाउट कैश। वैल्यूएशन जो है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका एक्चुअल मैटर आपको एएफएम में समझ में आए, लेकिन कुछ लिमिटेड स्टोरीज हैं। आप वैल्यूएशन के बराबर में वर्ड लिखा हुआ है बिजनेस, मतलब डेफिनेटली इट्स एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है ये, तबानी शरीफ तबानी साहब और उनकी फैमिली का बिजनेस है। अगर मैं कहता हूं शरीफ तबानी साहब ओन दिस कैंपस या ओन दिस इंस्टीट्यूट जो भी है, और मैं कहता हूं फर्नीचर, और एक फर्नीचर उनके घर में रखा होगा और एक फर्नीचर यहां है, और मैं वर्ड लगाऊ ना वैल्यूएशन, जो उनके घर में वैल्यूएशन है ना उसके साथ वर्ड बिजनेस नहीं यूज होगा। लेकिन मैं उनसे बोलू ना अभी वो बैठे हुए यहां पर, मैं कहूंगा ये एक टेबल, ये एक चेयर और इसकी वैल्यू, तो उनका दिमाग किसी और तरीके से चलेगा। द कॉन्टेक्स्ट इज अबाउट बिजनेस। वहां पर मैं आपसे बोलूं यार आपने मिसाल के तौर पे ऐसी एग्जांपल दे रहा, आपने इतना एक्सपेंसिव चिनियोट का सोफा घर में ड्राइंग रूम में क्यों रखा हुआ? तो वहां पे सर बोलेंगे ना शौक का कोई मोल नहीं होता। मैं यहाँ पे पूछू आपने बॉम्ब प्रूफ फर्नीचर क्यों रखा हुआ? मैं तो वट एवर कुछ भी है, आई मीन ये फर्नीचर इतना ड्यूरेबिलिटी क्या मतलब क्या? द रीजन इज दैट 10 साल तक भी स्टोन आता रहे मुझे कमा के देगा ये फर्नीचर, बिकॉज इट्स वर्थ विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस। तो कहने का मकसद ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि जब मोबिलिंग वारिद को एक्वायर कर रहा होगा ना, अब बात करता हूं, तो मोबिलिंग वारिद को एक्वायर कर रहा होगा तो वारिद को बस ऐसे नहीं खरीद लिया उसकी वैल्यू होगी, पहले उसने अपने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में क्या किया होगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की होगी कि मुझे इसको खरीदने में फायदा है या नहीं है। वो जो वैल्यूएशन होती है ना वो इस टॉपिक में आती है जिसे कहते हैं एक्विजिशन डिसीजन। एक्विजिशन डिसीजन वो पढ़ेंगे अभी यहां पर, लेकिन मैंने कहा है बहुत लिमिटेड पढ़ेंगे यहां। असल गेन तो ये एफएम है कि एक कारोबार दूसरे कारोबार को जब खरीदता है तो सोचता क्या क्या और क्या क्या आगे की बातें। अच्छा ये ऑल अबाउट प्लानिंग। अच्छा मैं एक और चीज रूल आउट कर दूं, ठीक है? आप अपने माइंड को ना स्पेसिफिक करते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर हम फ्यूचर के बारे में स्ट्रेटजी बनाते हैं, सोचते हैं, तो हम जब यहाँ पे बना रहे होंगे ना सारी चीजें कर रहे होंगे एनपीवी सब कुछ, तो हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है सर ऐसा ना हुआ तो। लेकिन ये फ्यूचर के बारे में सोचने की एक लिमिटेशन है, ऐसा ना हुआ तो, लेकिन हम इससे बहस नहीं कर सकते भाई। ये थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, तरीकेकार है। अब ऐसा हो भी सकता है ऐसा, यानी कि इट्स ऑल अबाउट प्लान ना, और इसमें रिस्क है, कर भी सकते हो। और तो अक्सर ये लोग पूछ रहे होते हैं सर क्या फायदा फ्यूचर, नो बडी नोज द फ्यूचर, क्या फायदा? तो भाई अब हमारा तो ये जवाब होता है दो तरीके काम करने के, या तो प्लानिंग करके करो या ना करके करो। तुम यहां क्या कर रहे हैं? हम यहां पे कर रहे हैं प्लान करके काम कर रहे हैं, खत्म हो गई बात, ठीक है ना? पाकिस्तान की इस वक्त सियासत में नो कॉन्फिडेंस हो भी सकता है, और जो जितनी भी कंबाइंड अपोजिशन है उसने एक ब्लाइंड गेम खेल लेना, एक फोन कॉल आएगा बस और कुछ भी हो सकता है, वो एक ब्लाइंड गेम है ना, और उनकी फिर पॉलिटिक्स को नुकसान भी होगा जो कंबाइंड अपोजिशन, ठीक है ना? वट एवर जो भी लोग हैं। सो कहने का मकसद ये कि इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग ना, वो खूबसूरत नाम तो नहीं ले सकता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, लेकिन बहरहाल तो कहने का मकसद ये उन्होंने प्लान किया, वर्कआउट कर रहे हैं, जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो ये हम इसी तरीके से इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन बीच में अभी देखते हैं कि इमरान खान लेट इट बी कंटिन्यू और नॉट। सो ये वाला टॉपिक वैल्यूएशन का, ये ज्यादातर आराम सुनेगा, ज्यादातर सेक्शन बी में एग्जामिन होता है, लेकिन मैं
इस बात को नहीं मानता कि सेक्शन बी में, मैं इसको यही कहूंगा कि ये भी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इसके ज्यादातर क्वेश्चन सेक्शन बी में रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन भाई ये जो भी मैं एनालिसिस बता रहा हूं ना, कहां आ रहे हैं ये, कहीं एग्जाम में लिखे हुए नहीं है एग्जामिनर ने, ठीक है, ये सिर्फ पास एक्सपीरियंस की बेसिस पे है। लेकिन मैं इसके बारे में खतरनाक नहीं होना चाहता कि ये सेक्शन सी में नहीं होगा, ये आ सकता है सेक्शन सी में। और एक आधी मरतबा स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके कुछ पार्ट जो है ना सेक्शन सी में, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। ये अच्छा, चार सेक्शन मैंने आपको बताए, अब ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन ई और सेक्शन एफ, सुनना, आपका सिलेबस दो पार्ट पे स्प्लिट है, एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखो स्ट्रेटजी जब बनती है ना, पैसों की स्ट्रेटजी, तो वो एक लॉन्ग टर्म बनती है और एक शॉर्ट टर्म बनती है, ठीक है ना। यानी कि मैं कहता हूं मुझे पैसा चाहिए, क्यों? इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे मशीन बाय करनी है। लेकिन अगले सवाल पूछा जाएगा, बस मशीन बाय करने के लिए पैसे चाहिए, उसको रन करने के लिए नहीं चाहिए? नहीं यार, रन करने के लिए भी चाहिए, हम तो नहीं कर सकते अगर हम के पैसे, अगर सिर्फ मेरे पास मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए है, मैंने मशीन बाय कर ली है और फिर उसके बाद मैंने पैसों की अरेंजमेंट नहीं की, मैं इसको चलाऊं, तो उसका मतलब पैसे बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए भी पैसे चाहिए, बिजनेस को, ये जो बिजनेस को रन करने के लिए पैसे चाहिए ना, ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल, जिसका मुझे पता है थोड़ी बहुत तुमको ऐसी पता है, डे टू डे ऑपरेशंस। ऐसा तो नहीं, मिसाल के तौर पर मेरी सैलरी टोटल 20,000 रुपए है, मेरा ख्वाब है मैं गाड़ी खरीदूं, मैंने क्या किया, बचत कमेटी जानते हैं ना, बीसी होती है, मैंने क्या कहा, मेरा गुजारा भी मुश्किल से होता है, बस में जाता आता हूँ, 20,000 रुपए सैलरी है, मैंने 5,000 रुपए महीने के हिसाब से 20 साल की बीसी डाल दी। अरे भाई मर्जी मेरी, अब पता नहीं कितने बनेगी, दूसरी तीसरी खुल गई बीसी। बहुत शुक्रिया आप बेटे, पीछे पास कर लिएगा, इनके पास नहीं, मैंने बचत कमेटी डाल दी, अब 20,000 में से 5,000 तो बचत कमेटी के पैसे जाते हैं, 15,000 बच गए, ठीक है, मुझे खाना पीना भी है, तो इसका मतलब आप कहेंगे सर आपने बेवकूफों वाला डिसीजन लिया, आपने किसी तरीके से गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन वो गाड़ी खड़ी रहेगी, आप गाड़ी के कम से कम इस गवर्नमेंट में तो आप पेट्रोल, अब आएगा हमारा जरदारी और पेट्रोल होगा फिर 10 रुपए लीटर, मियां साहब आ गए तो हो सकता 7-8 रुपए हो जाए, सो ये फजल रहमान साहब तो फिर डीजल कम हो जाएगा हमारा, मैं ऐसी पे कह रहा हूँ। सो बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप रनिंग कॉस्ट तो मेंटेन नहीं कर सकते, उधर पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अच्छा मैं आपको एक बड़े काम के बाद बता दूं, ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ना, इधर मेरी बात सुने, सेक्शन बी है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, यस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एएफएम में होगा, फिर इसके बाद बिजनेस फाइनेंस, उसका एडवांस जो है ना एएफएम में होगा, फिर है आपके पास बिजनेस वैल्यूएशन, उसका एडवांस भी एएफएम में होगा, फिर आगे एक और टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, उसका एडवांस भी होगा एएफएम में, लेकिन वर्किंग कैपिटल का एडवांस ना एफएम में नहीं है, इसका मतलब जो कुछ है ना वही है, तो वो छोड़ता नहीं है वर्किंग कैपिटल, वो बहुत डिटेल में पूछता है, ठीक है ना। ये एग्जाम स्कोप में 15-25 मार्क्स होगा और ये एग्जामिन होगा कहीं पे भी, ए बी और सी। लेकिन स्मार्टली अगर मैं बात करूं, अच्छा हैंडआउट सबको मिल गया, मैं स्मार्टली अगर बात करूं सबको यहां पर बैठे हुए, तो ये बात याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और वर्किंग कैपिटल में यू कैन सिक्योर योर 30-35 मार्क्स पूरे पेपर में। तो वैसे तो मैं किताब पढ़ने और भी दूंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो किताब और रिविजन किट हो, पास पेपर्स हो, कुछ भी हो, छोड़ना नहीं है आपने, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और वर्किंग कैपिटल सेव करो, उसको सिक्योर करो, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से पूछते हैं। अच्छा फिर एक और टॉपिक है, बड़ा लिमिटेड पूछा जाएगा यहां पर, बहुत लिमिटेड, और ये बता दूं ये ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट,
ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर पूछा जाएगा सेक्शन ए और बी में, सी में नहीं पूछ सकते ये। सी में तसल्ली से पूछते हैं ये उधर एएफएम में, ठीक है ना। याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल हो या रिस्क मैनेजमेंट हो, ये दोनों शॉर्ट टर्म है। रिस्क मैनेजमेंट भी तकरीबन चीजें शॉर्ट टर्म है, एक चीज के अलावा बस समझे शॉर्ट टर्म है। इसमें हम आपको ये पढ़ाएंगे कि एक है फॉरेक्स और एक है इंटरेस्ट। इसमें पहले तो हम ये पढ़ाएंगे फॉरेक्स, मिसाल के तौर पर फॉरेक्स में अगर कोई कंपनी डील करती है तो उसमें रिस्क है। आप सोचें, मिसाल के तौर पे आप गाड़ियां मैन्युफैक्चर करते हैं, आप 20% पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। आप सोच रहे आप क्या कह रहा हूं मैं, पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप कोई काम कर रहे हो 20% आपकी कॉस्ट जो है वो इंपोर्ट बेस्ड है तो आपका रिस्क क्या होगा? तो भाई सर आपका रिस्क ये है कि हम कारोबार करें यहां पर, यहां तो हमारे लोकल करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू हो जाती है या फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है, तो ये तो रिस्क हो गया है, ठीक है ना। और रिस्क इज अबाउट लॉसेस, लॉस हो जाएगा हमें, हम तो फंस जाएंगे सर, यस और नो। तो आगे लिखा हुआ रिस्क के आगे लिखा हुआ मैनेजमेंट। कुछ लोग जो कि डबल ए पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे जो भी मैटर्स है, आपको पता होता है कि बिजनेस करने में एक चीज होती है रिस्क, उसको करते हैं आइडेंटिफाई, फिर उसकी बनाते हैं स्ट्रेटजी। जैसे मिसाल के तौर तो, एग्जांपल दे रहा हूं ऐसी, आपने खरीदी नई गाड़ी, ठीक है ना, तो आप खरीदते वक्त ही आपको रिस्क आ गया। क्या रिस्क है भाई, कराची में रहते हैं तो पता ही है आपको, अल्लाह ना करे कि गाड़ी थोड़े माइनर एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई आ जाए, भाई ये गाड़ी आपने खरीदी है, जी जी उधर आप समझ आए ना, मतलब स्नैच हो जाए कुछ भी। सो द पॉइंट इज दैट ये अच्छा डेफिनेटली जब भी इंसान रिस्क सोचता है ना तो समथिंग अबाउट लॉस। अबे यहां पे बैठ के अभी जो तुमने पेपर दिया हुआ है तुम्हें रिस्क किस बात का है? ऐसे तो नहीं मुझे डर लग रहा है कि मैं पास ना हो जाऊं ये तो फजूल कोई नहीं बोल सकता ना, क्या मतलब है, क्या क्या पागल हो गया क्या, या बिजनेसमैन भी हो गया है, मुझे रिस्क किस बात है, मुझे प्रॉफिट ना हो जाए, अबे क्या बोल रहा है। रिस्क इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर, इट्स अबाउट लॉस, ठीक है ना। रिस्क आपके पास गाड़ी चोरी ना हो जाए, गाड़ी लॉस ना हो जाए, कुछ भी है, तो आपने बोला उसके लिए मैं एक काम करता हूं, प्रोटेक्ट कर लेता हूं, इंश्योर कर लेता हूं, आप गए गाड़ी इंश्योरेंस करा। ये कहलाता है रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीके का। ऐसे यहां भी पढ़ेंगे फॉरेक्स के अंदर अगर हम काम करते हैं तो उसके कुछ रिस्क है, उस रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे वो पढ़ना है हमने। ऐसे ही हम अपने यहां पर बिजनेस में बहुत कुछ पढ़ेंगे, उसमें एक इंटरेस्ट भी है, ठीक है। सूद के ऊपर बात करेंगे हम यहां पर, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे इंटरेस्ट में डील करते हैं, तो बोरिंग और लेंडिंग में जैसे बोरो करते हैं तो हमें कुछ अरसे बाद बोरो करना है और बोरो करने पे हमें सूद देना पड़ेगा, तो ऐसा ना हो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो हम क्या कर सकें। तो बेटा इस टॉपिक के अंदर हमें डिस्कशन करना है इंटरेस्ट का भी और फॉरेक्स का भी रिस्क मैनेजमेंट। इसकी कैलकुलेशन बहुत टेक्निकल है लेकिन लिमिटेड है, आप थ्योरी इग्नोर नहीं कर सकते, और 10 टू 15 मार्क्स का एग्जामिन होता है सेक्शन ए सेक्शन बी के अंदर। ये मैंने सिलेबस के अंदर बात की। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूंगा तो वैसे तो बीच बीच में मैंने बात करी थी ये एग्जाम का फॉर्मेट है, हैंडआउट सबको मिल गए, सब मेंशन इसके अंदर, परेशान ना हो। सेक्शन ए ओटीक्यूज होंगे 15 ओटीक्यूज होंगे 2 मार्क्स के, टोटल 30 मार्क्स है। सेक्शन बी के 3 केसेस होंगे, ठीक है ना, ओटी केसेस होंगे आपके पास 30 मार्क्स, और फिर सीआरक्यूज होंगे 2, 20 मार्क्स ईच, ठीक है ना। और तकरीबन पूरे पेपर के अंदर जो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है वो आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, मल्टी रिस्पॉन्स भी होते हैं, ब्लैंक्स भी होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होती है, हॉट स्पॉट और हॉट एरियाज भी होते हैं, जो डिफरेंट आपके पास फ्लड एरियाज हैं। हम देखते रहेंगे इसको मुख्तलिफ टाइम में। सेक्शन सी आपको पता है सी बी स्ट्रक्चर होता है, आपको हमें इसकी अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। ये पासिंग रेशियो है, मैंने पहले ही बताया था, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 45% एवरेज जो है पासिंग रेशियो है।
ठीक है ना। अच्छा मैं आपको कुछ ऐसी बात बता दूं, जरा सुनिएगा सर, क्या कॉमन रीजन है जिसकी बेस पे आप शर्मिंदा हो सकते हैं? बिल्कुल आपका जहाज क्रैश हो सकता है, और बिल्कुल, तो भाई ये कॉमन रीजन से फेलियर के हम पहले बात करते हैं कि रीजन। अच्छा ये मैंने नहीं बताया भाई, एग्जामिनर की रिपोर्ट से मैंने एक्सट्रैक्ट किया भाई, अब इंटरनेट वगैरह की साइट्स पे एफएम के अंदर। सबसे पहली बात, जिस कैलिबर की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है उसमें प्रैक्टिस नहीं करते आप। जब प्रैक्टिस नहीं करते तो आप एबल नहीं होते कि आप टाइम को कैसे मैनेज करें, ठीक है ना। अच्छा आप जब एग्जाम के अंदर अपेयर होते हैं तो आप, ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस होता है, एग्जामिनर कहता है कि भाई एक स्टूडेंट से, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले ना तो आपसे पूछा गया, हाँ भाई पेपर कैसा हुआ? सर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा बेटा जो पेपर दिया आपने वो एग्जामिनर ने जो पूछा था वही था? सर ये पता नहीं। अच्छा तो आपने पेपर पूरा किया? हाँ सर अपने हिसाब से तो पूरा किया, हिसाब आपने अपना कोई लगाया है? आपने सारा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कोई रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें लिखा होता है, मिसाल के तौर पे कैलकुलेट द अबव सिनेरियो एंड एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, तो आपने एंड के बाद तो लिफ्ट ही नहीं कराया, आपने कहा रिक्वायरमेंट ने कर लिया पूरा टाइम, तो एंड के बाद और एंड से पहले दो स्प्लिट हो गई ना चीजें, तो बेसिकली आपने अटेम्प्ट नहीं किया पूरा। अच्छा बहुत बड़ा मसला, लीस्ट कंसर्न अबाउट थ्योरी, यानी कि एक्सप्लेनिंग ऑफ आंसर पे तो लीस्ट कंसर्न है। अच्छा लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज, इसका मतलब ये कि आपने 100% सिलेबस कवर नहीं किया। एग्जाम के अंदर पैनिक, मतलब जो अभी थोड़े दिनों पहले बिलावल साहब कह रहे थे, मैंने नहीं बोला है, सो जाहिर सी बात है पैनिक होते तो एक्सप्लेन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा उसके बाद जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना तो एक एक्टिविटी आप कर रहे हो जो बहुत खतरनाक है, आप एक रिविजन किट के अंदर सबसे पहले काम कर रहे होते हैं, आप क्लिपर खरीदते हैं जिसमें आप क्लिप करते हैं क्या जो क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं साथ में सोल्यूशन भी, ये कॉमन प्रैक्टिस है, यानी कि आपने सवाल को समझा नहीं फौरन सोल्यूशन रीड करना शुरू कर दिया, ऐसा ही होता है एमसीक्यूज ओटीक्यूज में तो बहुत होता है, एक मिनट देख लूं यार सेक्शन सी वगैरह के क्वेश्चंस के अंदर थ्योरी में तो जहमत ही नहीं है, पहले सवाल जवाब पढ़ लिया अच्छा उसके बाद एक मिनट सवाल देखता हूं, ये वो हरकतें जो आप कर रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है करते हैं, जस्ट रीड द सोल्यूशन, आपने सवाल को समझने की कोशिश नहीं की प्रैक्टिस के ड्यूरेशन। सर इन सबको ओवरकम कैसे करें? सीधी सी बात है, सबसे पहली बात प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को। अच्छा प्रैक्टिस में एक वर्ड मैंने लिखा है सिमुलेट, सिमुलेट समझते हैं बेटा? अभी मैं पूछूंगा दो चार वीडियो गेम्स तो सब खेल रहे होते हैं, पबजी की बात करूंगा यहां पर तो सिमुलेटर ही तो होता है वो, मैं तो ये कह रहा हूं ना एग्जाम नहीं पूछ रहा, जिंदगी में सिमुलेशन करिएगा भी, हाँ कुछ ना कुछ तो किया होगा, खवातीन को अम्मा तो कराई देती है सिमुलेशन किचन में। बेटा सिमुलेशन का मतलब है जो आपको एग्जाम के अंदर काम कर रहे हैं ना उससे पहले उसको ज्यूम करें, मिसाल के तौर पे अगर आपको बोला है 5 मार्क्स का थ्योरी है तो आप टाइमर लगाएं और 5 मार्क्स का थ्योरी अटेम्प्ट करें एग्जाम से पहले, ये कहलाता है। ये मैं कम वर्ड यूज करता हूं प्रैक्टिस, ज्यादा वर्ड यूज करता हूं सिमुलेशन, क्या ज्यूम करें आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो प्रैक्टिस नहीं सिमुलेट, दैट्स अ की पॉइंट नंबर वन। नंबर टू, जब सिमुलेट करेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे, आपको पता चलेगा मैं कहां फंस गया हूं, यार ये काम तो मुझे 5 मिनट में करना था इसमें तो 8 मिनट लगे, एग्जाम में क्या करूंगा, ऑटोमेटिकली मैनेज क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। फिर जब आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने दिया जाए ना, अभी बताऊंगा पास पेपर में किस तरीके से चीजें, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लीस्ट कंसर्न अबाउट द थ्योरी नहीं हो, लीस्ट कंसर्न अबाउट द थ्योरी, थ्योरी के लिए भाई सर पे डंडे मारने पड़ते हैं यहां पर, मेरा तो बस चले मैं आपके घर आ जाऊं,
भाई क्यों होमवर्क क्यों नहीं कर रहे भाई? मैंने तो कितनी बार सजेशन दिया इनका यूनिफॉर्म बनवाओ, नहीं क्या? मेरी बात कोई नहीं सुनता यहाँ पे बेटा, परेशान नहीं है, कोई नहीं सुनता। क्लासरूम में सुनेंगे तो अलग बात है बस। अरे यूनिफॉर्म क्यों भाई? छोटे छोटे बच्चे तो कितनी उम्र है, 18, 19, 20, 21 कितने 22 साल ऐसी होगा, इससे भी छोटे हैं। नहीं नहीं इतने तो, अबे 22 साल के हो गया, 25 साल के हो गया यार, कितने यार भाई? कोई आपके जानने वाले सेम एज ग्रुप के यूनिवर्सिटी में? पूछो ना बेटा, होमवर्क करते नहीं करते? वो भी नहीं करते, सवाल ही पैदा नहीं होते। क्यों? उनको आपसे कम आता है लेकिन बोलना ज्यादा आता है। आप ये नहीं बोले बस, यही तो बात है। हमें बहुत कुछ आता है, बोलना नहीं आता, उनको बोलना आता कुछ नहीं आता, वही विन करते हैं। मसला ये, आप लोग टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं बट जब आपको प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन पे आता है आप नहीं करते। खैर, उसके बाद एक्सप्लेनिंग द आंसर पे हम बात करेंगे। सफिशिएंट नॉलेज का मतलब यही है भाई कि आप सिलेबस को पूरा कवर करें। जब ये सारे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फिर भी होता है बेटा, अलग से मुझसे मिलियो क्लास के अलावा, मैं तुझे बताऊंगा, तेरे साथ कोई और मसला है। खैर, केयरफुली रीड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये भी एग्जाम सिमुलेशन का पार्ट है, बात करेंगे इसके ऊपर, और सेल्फ अटेम्प्ट। अच्छा छोड़ दे यार, ये टीएसए की कुछ तारीफें पता ही है सबको। अच्छा मेरी बात सुनने जरा गौर से, हमारी तरफ से आपको क्या चीजें मिलेंगी और आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, कोर्स नोट्स मिलेंगे आपको, नंबर वन। अच्छा एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सजेस्टेड आंसर्स थ्योरी के खास तौर पे। अच्छा सजेस्टेड आंसर का मतलब मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस में से एक चैलेंज होता है सेक्शन सी के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने, खासतौर पर थ्योरी, उसको कैसे हैंडल करना है। अच्छा उसमें जाहिर सी बात है एक रिविजन किट या मॉडल आंसर एक होता है, लेकिन वो स्टूडेंट कैलिबर नहीं होता। स्टूडेंट कैलिबर का मतलब ये कि वो एक आइडियल आंसर है, सर मुझे एक लिमिटेड मार्क्स में कैसे हैंडल करना है। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा मैं सारे पास पेपर्स के हैंडल करूंगा, लेकिन अगर पांच से छह सिलेबस एरिया है, सॉरी 4 से 5 सिलेबस एरिया जो सेक्शन सी में आते हैं, तो उन सब टॉपिक में से कुछ कुछ पार्ट्स में आपको हैंड ओवर करूंगा सपोर्ट के लिए कि देखो बेटा ये रोड मैप पे लिखना, ये रोड मैप आपको ऐसे लिखना है। और फिर आपका फर्ज ये बनता है कि मिसाल के तौर पे 25 क्वेश्चन है और टीचर ने जो है 8-9 क्वेश्चन आपको हैंड ओवर कर दिए, उसी को फॉलो करते हुए आप थ्योरी लिख के रिमेनिंग क्वेश्चन, ये हमारी तरफ से आपको मिलेंगी चीजें। आपके पास क्या होना चाहिए, कैप्लान का स्टडी टेक्स्ट और कैप्लान की रिवीजन किट। रिवीजन किट अगर अवेलेबल है 22 की तो ठीक है, नहीं तो वेट भी कर सकते हैं। कैप्लान का टेक्स्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए। अच्छा ये क्या है ये सुन लें, ये क्या है ये सुन लें बात गौर से। देखो बेटा ये पास पेपर्स हैं और जो ACC की वेबसाइट पे है, सुन लो बात गौर से। ये जो CB प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये CB फॉर्मेट पे अवेलेबल हैं 6 पेपर। आपके MyACCA की साइट, MyACCA के पोर्टल पे ये अवेलेबल है अभी भी प्रैक्टिस, ठीक है ना। सितंबर दिसंबर 2021 का लेटेस्ट पेपर उसका सेक्शन सी है, मार्च जून 2021 का सेक्शन सी है, सितंबर दिसंबर 20 का सेक्शन सी है, लेकिन FM प्रैक्टिस एग्जाम 1 के नाम से सितंबर 16 का पूरा एग्जाम है, कंप्लीट एग्जाम है, ABA BBA और CBA। दिसंबर 16 का भी फुल एग्जाम है और एक स्पेसिमेन है। अबे ये बहुत होता है, कोई ये कहता है ना लिमिटेड है, अबे ये इतना कुछ अवेलेबल है। और ये जो कुछ, ये जो दूसरी साइड है ना, ये ACC के वेबसाइट पे है, लेकिन मैं इसको कहूंगा मैनुअल क्वेश्चंस है। मैनुअल का मतलब क्या है, ये CB फॉर्मेट में नहीं है लेकिन ये पास पेपर भी हैं, और ये आपको हैंडआउट में मेंशन है, ये चीजें अवेलेबल हैं।
कैप्लान का किट, अगर मैं कहता हूं कैप्लान के किट का तकरीबन 50-60% इस वक्त वो यही है, ज्यादा होगा कम नहीं होगा, 70 भी कर सकता हूं मैं इसको, कैप्लान किट का 60-70% ये रहा, लेकिन टॉपिक वाइज है वो। मेरे लिए जो प्रायोरिटी है ना वो ये, सीधी बात है भाई, एग्जाम है ये, कि भाई इसमें इसमें स्टूडेंट जो है ना इसका इसकी परफॉर्मेंस जो है ना बेहतर हो। ये आपके सामने प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है, कर लेंगे कैप्लान का किट का रेस्ट ऑफ द पार्ट, अच्छी बात। और भाई ये जो जोश और जज्बा होता है ना सर, बीबीबी भी परचेस कर लूं, तो बीबीबी क्या बात सुन, पूरी दुनिया के और भी मटेरियल कलेक्ट करके अपने बाहर ही रख ले भाई, भाई क्वालिटी पे काम करो एक बात, और जो टाइम बचे ना मब्बा की खिदमत क्या करो, हासिल हो तुम लोग बेवकूफ गधों की तरह काम करो, इतने क्वेश्चन कर लो वो कर, अबे क्वालिटी जो काम बोला जा रहा ना वो करो, क्या थ्योरी की प्रैक्टिस करो, अननेसेसरी वर्किंग करके खुश हो रहे हैं क्या, एक सवाल में कैलकुलेट, आप जब फोन किया जब किसी ने व्हाट्सएप क्या कर रहा है, पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा है, कैलकुलेशन कर रहा हूं, फायदा क्या, क्वालिटी प्रैक्टिस करो, दैट्स इंपॉर्टेंट। बुक रीडिंग का अगर कोई एरिया आपको बताएगा वो करें, जो आपको बोल रहे ना बुक रीडिंग नहीं करना उनको बोला सर हुसैन काजी से बात कर लो, या तो मुझसे पढ़ना छोड़ दो या बोलो मुझसे बात कर लो। अबे नहीं हो सकता भाई, आप बुक रीडिंग किए बगैर आप नहीं पास हो सकते पेपर। और जो सीनियर ये बात करे ना, अच्छा सीनियर से तो बात ही नहीं क्या कर भाई, दो किस्म के सीनियर होते हैं, एक तो पास हो गया ना अगर वो बंदा, तो पता क्या होता है, तेरे भाई ने तेरी बहन ने दो दिन में एफएम खत्म, छोड़ यार मैं बताता हूं, अगला बंदा डिप्रेशन में खुदकुशी कर ले, ये इंसान ही क्या है या मैं इंसान नहीं। और दूसरा कैटेगरी ऑफ सीनियर पता है कौन होता है, यार मैं फेल हो गया, मैंने इनसे पढ़ा था, मैं इस तरह ही बात कर रहा होता हूं मैं, ये दो कैटेगरीज होती है, मुझे तो आज तक कोई मुनासिब सीनियर नजर नहीं आया, मेंटोर से मिलो, मुझसे नहीं मिलो भाई किसी और से मिल लो, वो गाइड करेगा आपको, वो पता नहीं किस जूम में होता है, या तो कोई मिच्योर हो जाए बच्चा, आई मीन क्वालिफाओ के मेंबर हो जाए तो उससे बात करो नॉर्मली यार, जब ये मैन सीनियर, अच्छा खैर आप लोग भी सीनियर हैं किसी ना किसी के, आप भी मशवरा ना दें। अच्छा खैर अब ये बस बहुत बातें हो गई हैं, इतने वक्त है सारी चीजें, मोटिवेशन भी साथ साथ में देता रहूंगा, बस काम की बातें करते हैं बस। अब ये हैंडआउट मिल गया है सबको, बेटा ये भी डिस्ट्रीब्यूट करो, कर दो बेटा वो उधर कर दो, ये इधर कर दो, चलो साइड पर रख, जाते वक्त दे देना मुझे, अच्छा भाई ये ऑनलाइन वालों ये आप लोगों को मिल जाएगा हैंडआउट, यार ये भी व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा, पता नहीं उन्होंने जूम पे क्यों उन्होंने बंद किया भाई, मिलेगा ये अभी व्हाट्सएप का ग्रुप बना देगा फेम, ये मिल जाएंगे आपको व्हाट्सएप पे शेयर। मेरी नॉर्मली आदत ये होती है कि क्लास शुरू होने से पहले हैंडआउट जो है ना मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन अभी व्हाट्सएप का ग्रुप ही नहीं बना हुआ कोई, और जूम पे इन्होंने पता नहीं बंद किया भाई, पता नहीं इतना कंजर्वेटिव बनाया भाई जूम को उन्होंने, पता नहीं क्या कर लेंगे हम लोग, पता नहीं क्या कर, क्या शेयर कर लेंगे हम लोग, ऐसा है भाई ओपन करो यार, इतनी सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट की भी हैं। हाँ बेटा तू सक्सेस में, बस अल्लाह ताला तुझे अजर दे जन्नत और फिरदौस में तुझे आला मकाम दे, यही बोल सकता हूँ।
देखो बेटा अभी तो मैंने आपको लिमिटेड एक हैंडआउट दिया, कल से इंशाल्लाह इसको प्रॉपर वर्कआउट करेंगे, थोड़ी बहुत चीजें स्टार्ट करते हैं, मोमेंटम बनाते हैं, कल फुल टाइम वर्किंग करेंगे। आपको मिल गए हैंडआउट्स मैंने, वेरी गुड। देखो बेटा सबसे पहली बात ये, हमने जो है ना अपने सिलेबस को जो है वो टोटल 9 मॉड्यूल्स पे स्प्रेड करना है, 9 मॉड्यूल्स। ये आपको ये कोर्स नोट्स मिलते जाएंगे, इसमें एड ऑन करते रहना, बेहतर ये है कि आपकी मर्जी है, आप चाहे अपने सिस्टम पे अपनी फाइल्स को मैनेज करें या फिर आपको हार्ड कॉपी मिल रही है तो एक फाइल पे अंदर प्रॉपर मेंटेन करें, इस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे और क्वेश्चनर्स होंगे तो क्वेश्चनर्स भी मिलेंगे, ठीक है ना, इस तरह से नोट्स होंगे। क्या प्लान की बुक बाय कर लें, नेक्स्ट वीक में मैं बता दूंगा किस तरीके से, या फिर इसी वीक में कर लें तो कल भी क्लास होगी, 4 दिन क्लास होगी, 4 घंटे की क्लास होगी, 2 से 6 रोजाना। अबे रोजाना का मतलब ये ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे संडे, सेल फोन का मैं बता देता हूँ आपको, नोट कर लें। अभी तो तमीज बांधी है, अच्छा अभी रमजान में परेशान ना हो, रमजान में ज्यादा लंबी क्लास नहीं होंगी, नोट कर लें अपने पास टाइमिंग। अबे इतना मुश्किल भी नहीं है भाई, हमारे टाइमिंग्स कुछ इस तरीके से हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 to 6 और सैटरडे संडे 9 to 1:30 जी, 1:30 9 to 1:30 ब्रेक मिल जाएगा, दो बीच में जोर की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर जाएंगे घर, आप लोग तो घर जाएंगे, मुझे और भी क्लास है। ट्यूसडे वेडनेसडे 2 to 6 सैटरडे संडे 9 to 1:30 रमजान टाइमिंग्स अभी टेंटेटिव बता देता हूँ, वैसे मैंने फहीम को यह बताया हुआ, 4 नहीं 3 क्लासेस होंगी रमजान में, ठीक है बता देता हूँ, रमजान में ट्यूसडे को क्लास होगी, अभी मैंने जो इनको टाइम दिया है हो सकता है शायद चेंज हो जाए, लेकिन मैंने सफीम को ये बताया 12:30 to 3 एक मिनट, अबे जाहिर सी बात है दोबारा पढ़ेंगे ना यार पागल हो गया, और सैटरडे संडे को 9 to 11:30 तीन क्लासें 2.5 घंटे। देखो नहीं बेटा ये एक मेरी बात सुनो, ऑल डे में बहने बैठी हुई है, सारी मनुष्यत घरों में बंद कर गए, सुबह फजर में उठा कर रहे हैं और अम्मा अब्बा की दुआएं लिया कर रहे हैं, रहमतों का टाइम है, सही कह रहा हूँ, ये भी मैंने टाइम दिए रमजान में, ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्विज हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ, हमने 3 पार्ट पे स्प्लिट करी है क्लासेस, बिफोर रमजान, रमजान आफ्टर रमजान, 3 वीक्स है हमारे, इसीलिए कह रहा हूं 4 डेज अ वीक क्लास, ताकि 3 वीक्स में हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बिजनेस फाइनेंस में एक अच्छी जगह पहुंच जाएं, फिर हम अपना स्लो पेस पे जो है वो रमजान पढ़ते रहेंगे, मतलब इबादत भी करते रहेंगे, और उसके अम्मा अब्बा की खिदमत तो प्रायोरिटी है बिल्कुल, और फिर जो है वो क्या नाम है, हम नेक्स्ट क्लास उसके रमजान के बाद आएंगे, फिर हम रमजान के बाद भी यही स्केड्यूल हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक है ट्यूसडे, ट्यूसडे 12:30 to 3, फिर वीकडे में कोई क्लास नहीं, फिर वीकेंड पे 9 to 11:30 आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि वीकेंड्स वगैरह में करते हैं, वैसे तो फारक लोग हो तुम लोग जॉब अब, तो वीकेंड तुम्हारा रोज ही वीकेंड होता है मेरे ख्याल से, तो सैटरडे संडे चेंज कर लें और सुबह जल्दी आ जाए करें, पढ़ाना शुरू करो, ये फिल कर लेंगे ना, इनको अलग दिया है ना, बस ये खवातीन में सर्कुलेट करेगा, ठीक है दोबारा बोले वो जो गार्ड के पास है, बेटा बात सुने गौर से, ऑन कैंपस वो ऑनलाइन वालों को सिस्टम नहीं है ना, ऑन कैंपस जो भी क्लासेस दे रहा है वो लाजमी तौर पे कार्ड स्वैप करे, यही है ना, वरना एब्सेंट मार्क इनको क्या फर्क पड़ता है, ओ क्लासेस ये हुई ना धमकी, तो क्लासेस का एक्सेस नहीं हो पाएगा अगर वो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, समझ गया ना, ये सबके लिए मतलब एक्सेस टू द क्लास का मसला हो, वरना तो कोई इनको परवाही नहीं है, वो फंसा दिया ना तुमने मुझे,
ये बेटा हैंडआउट सबको मिल गए? चलो जी आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं। थके तो नहीं है आप लोग? थक भी गए कोई बात नहीं, पढ़ना तो फिर भी है जी। बेटा ऑन कर दे फैन, यहां से ऑन कर दो। चलो थोड़ी देर ऑन कर दे फिर ऑफ कर दीजिएगा। ओके क्लास, देखो सबसे पहली बात, मेरी बात सुनो गौर से। ओके, हैंडआउट दूसरा भी मिल गया सबको। ख्याल रखिएगा, अक्सर और बेशतर मैं हैंडआउट मांग रहा होता तो खवातीन अपने पर्स से पता नहीं कहां निकाल ली होती है अजीब तरीके से, हजरात को तो मिल ही नहीं रहते। फाइल मेंटेन करें, ठीक है ना, फाइल मेंटेन करें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो बेटा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रीन पे क्लियर है। हमारे 9 मॉड्यूल्स होंगे, टोटल 9 मॉड्यूल्स में हमने स्प्लिट किया है सिलेबस को। हम फर्स्ट मॉड्यूल पे स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। पहले कुछ बातें आराम से सुनिएगा, जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर बात कर रहे हैं तो हमें यह बात पता होना चाहिए कि इस पूरे एरिया ऑफ सिलेबस पे 20-25 मार्क्स रिफ्लेक्ट होते हैं, 20-25 मार्क्स रिफ्लेक्ट होते हैं। और एग्जाम के सेक्शन में जैसे मैं बता भी चुका हूं, ये सेक्शन ए में भी एग्जामिन होगा, सेक्शन बी में भी हो सकता है और सेक्शन सी में भी हो सकता है, एक बात। उसके बाद पास्ट एग्जाम का एनालिसिस ये बताता है कि 60% कैलकुलेशन रिफ्लेक्ट हो रहा होता है ये पार्ट, और 40% थ्योरी। ऑल तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कैलकुलेशन से ही, लेकिन ये रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, इस मॉड्यूल के अंदर 8 यूनिट्स हैं, ठीक है। नोट्स में आपको बकायदा बता दिया जाएगा, चेकलिस्ट इसी तरीके से, ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो। यानी कि टोटल आपके पास, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, टोटल 7 यूनिट्स हैं, उसको हैंडआउट में भी सही कर लीजिएगा, टोटल 7 यूनिट्स हैं जो हम यहां पे पढ़ेंगे। पहला यूनिट जो है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बाय एनपीवी मेथड है, और बाकी हम पढ़ते रहेंगे, साथ साथ बताता रहूंगा, मैं रीड नहीं कर रहा। बेटा इधर आ जाओ गौर से, हम सबसे पहला फर्स्ट यूनिट पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस यूनिट के अंदर क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले ये बताएं, सिस्टम ऑन है? ऑन तो है, सिस्टम चेक। अगर कोई प्रॉब्लम है इधर आ जाओ, क्या होना
अभी ऑनलाइन में सवाल नजर आ रहा है सबको? दोबारा बोले मैं दोबारा 6 बजे अगर रुक सकते तो अच्छा। आपको इन्फॉर्म हुआ था 2 to 6? रमजान पैकेज में नहीं होता जल्दी मारे नहीं होंगे भाई टारगेट्स। अगर कर सकते तो बेटा अच्छा, दैट्स गुड। स्टार्ट करेंगे सिलेबस।
वेरी गुड बेटा, आवाज आ रही है? ऑनलाइन पे डिस्कनेक्ट हो गए थे, माजरत। नहीं यार, बच्चों को आवाज नहीं आ रही थी प्रॉपर उसमें, कॉलर माइक में। हाँ, एसबीआर स्टार्ट हो गया बस। ठीक है बेटा, ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे सब लोग, ऑनलाइन में भी जो लोग हैं, सिस्टम पे अटेम्प्ट करेंगे, मैनुअल अटेम्प्ट कोई नहीं करेगा, सिस्टम पे अटेम्प्ट करेंगे। अगले उसमें देख लेंगे, एसबीआर स्टार्ट हो गया ना जब, देख लेंगे। ब्रेक तो नहीं, अब अगली क्लास ही शुरू होगी। अब अच्छे भाई, बिलाल कर लिया सबने? चलो भाई इधर क्लास, टाइम ओवर। क्वेश्चन क्या है? एफएम कंपनीज कंसीडरिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट, द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज आर एज फॉलोज। एयर जीरो में इन्वेस्टमेंट, एयर वन में रिटर्न, एयर टू में रिटर्न, एयर थ्री में रिटर्न, एयर फोर में रिटर्न, एयर फाइव में रिटर्न। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, डिस्काउंट रेट 9%। अच्छा, जो नॉलेज आपके पास है बस मैं उसी पे बात कर रहा हूं, ठीक है ना? आपने कहा सर हमें एनपीवी की कैलकुलेशन आती है, कुछ नहीं है। एयर जीरो का मतलब होता है सर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? और फिर एयर वन टू थ्री फोर फाइव रिटर्न, ठीक है सर? ये फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं और हम डिस्काउंट रेट 9% यूज करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगा और एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, वैसे तो डिस्काउंट टेबल आपके पास होता है, ठीक है ना? जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं, गेरा डिस्काउंट टेबल, एग्जाम के अंदर अवेलेबल होता है, ये रहा डिस्काउंट टेबल। आपने 9% पे देख लिया, ये रहा 9%, और 1, 2, 3, 4, 5 आपने पिक कर लिया, ठीक है ना? मतलब ये टेबल आपके पास गिवन है। दूसरा तरीके, अच्छा आप सबको पता है एयर जीरो पे डिस्काउंटिंग नहीं होती, क्यों नहीं होती सब बातें करेंगे बाद, अभी तो मैं ऐसी बेसिक बात कर रहा हूं, ठीक है ना? अदरवाइज हमारे पास तरीका ये है कि 1+ डिस्काउंट रेट और फिर हम पावर कर देते हैं और पावर माइनस एन, ठीक है? वो यहां तो मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है भाई? तो हमने कर दिया इज इक्वल टू 1.09, यानी 1+ डिस्काउंटेड, यस और नो? पावर माइनस 0.9174, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। टाइम बचाए, जो बच जाए हम अब्बा की खिदमत करें, सीधी सी बात है यार, दोबारा से बात कर लेते हैं। मर्जी है, दिल चाह रहा है एक्सेल पे काम करने का तो बार बार करते रहे, मैंने कुछ नहीं किया, दोबारा से कर लेते। इज इक्वल टू 1+ डिस्काउंटेड 1.09 पावर माइनस 1 लिखने के बजाय कर्सर को मैं यहां पे ले गया, इससे फायदा क्या हुआ? कर्सर ने जब ये पिक किया कि वो 1 चला गया है इस जगह पे, तो कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी कर दिया। दोबारा बोले, आ जाए, आ पॉसिबल है घर करीब तो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? और फिर इसके बाद इज इक्वल टू 240,000 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 2,40,000। जब ने कनेक्ट किया तो अगेन दोबारा से इज इक्वल टू 240,000 मल्टीप्लाई बाय 1, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऑल सेट। और इज इक्वल टू सम, ये आपके पास पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई,
आराम से बेटा आराम से। और ये आपके पास आ गया एनपीवी, जो सवाल पूछना पूछ लें। सर कर्सर यहां ले जाए, कर्सर वहां कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे और आपके बिटवीन जो है ना किसी किस्म का कोई डिफरेंस हो। जी फरमाइए। कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अभी मैं नहीं कर रहा जानबूझ, अबे सबर कर भाई, अभी कहां पहुंच गए एग्जाम में मैं बताऊंगा, बहुत सारे शॉर्टकट आए। लेकिन अभी जो मैंने रिफ्लेक्ट किया वो आपको समझ में आ गई बात? जी बैक में जितने लोग बैठे हैं सबको समझ में आती है बात? जरा जोर से बोल दीजिएगा। ओके क्लास देखिए, आप मेरी बात सुनो गौर से। जी ऑनलाइन में जितने लोग बैठे हैं सब बताएंगे, सब लोग साथ हैं, सब लोग रिप्लाई करेंगे ऑनलाइन के अंदर भी। ठीक है बेटा। अच्छा मेरे बच्चों अब मेरी बात सुनो गौर से, सब लोग यहां पर आ जाओ। एक चीज जो है ना वो हम डिसाइड कर लेते हैं, मैं और आप कमिटेड हो जाते हैं एक एक चीज पे। इधर मेरी बात सुने, इधर आइए मेरी बात को यहां गौर सुने। देखिए हम सब जो है ना आज एक बात पे कमिटेड होते हैं, एक पहली बात में, दो तीन और कमिटमेंट ले लूंगा, लेकिन पहली बात हम अपने एफएम को जो प्रिपेयर करेंगे ना वो ऐसे नहीं करेंगे कि हम पहले मैनुअल पे सीखें और फिर उसके बाद सिस्टम पे लेके आए और एग्जाम प्रिपेयर करें। हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि बेशक हमें थोड़ा टाइम इसमें लग जाए, कोई बात नहीं। आप मुझसे 10 मरतबा पूछें सर ये आपने क्वेश्चन बंद किए, मुझे बता दें सर, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, हैंड रेस करें पूछें, खत्म, कोई शर्माने की नहीं। सबने कर लिया, मैं नहीं कर पाया, ब्रेक में पूछ लें, फौरन पूछ लें, लेकिन करेंगे सिस्टम पे, पहले मैनुअल फिर सिस्टम, ये नहीं करेंगे। आप इस बात पे एग्री हैं बेटा? जब एग्री है ना तो जोर से गाला फाड़ के बोले। ऑनलाइन वाले लिख के बता दें भाई, बेचारे खामा का घर वाले परेशान हो जाएंगे। हम इस तरह से वर्कआउट करते हैं। दूसरा थ्योरी वाला कमिटमेंट वो इतने आसानी से आप दे भी देंगे ना, वो मैं खुद दे लूंगा, परेशान नहीं, वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, नहीं तो मैं घर पहुंच जाऊं। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर कॉन्सेंट्रेट करें। देखो बेटा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये देखो ये एक्सेल की शीट आपको हैंड ओवर हो जाएगी, जैसे ये आपको हैंड ओवर हुआ है ना, ये सिस्टम पे आपको व्हाट्सएप पे अपडेटेड मिल जाएगी डेट के साथ। ये एक्सेल की शीट यहां मैंने जनरेट की है ना, इसका नाम होगा एफएम जून 22 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और ये रोजाना ये ओपन होगी जब तक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल खत्म नहीं होगा, और ये आपको डेली बेसिस पे मिला करेगी अपडेट होके, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो आप नोट कर रहे हैं वो अपनी जगह पे नोट करें, एक दो चीजें मैं बाद में बात करूंगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमारा टॉपिक है नंबर वन, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये मेरे बच्चों, हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर करते क्या है, जो हमारा माइंडसेट है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं। अच्छा क्या माइंडसेट भाई, हम तो एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, हम चाहते हैं उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट करें। इवेल्युएट क्या करें, क्या ये शेयर होल्डर के लिए, क्या ये इन्वेस्टर के लिए वर्थफुल है या नहीं है। अच्छा अप्रेजल के डिफरेंट तरीके हैं, उसमें से एक तरीका जो है वो एनपीवी मेथड है। कौन सा मेथड है? अच्छा ऐसा नहीं है कि और मेथड नहीं है, और भी मेथड है, जैसे कि हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे आईआरआर, जैसे कि हम पढ़ेंगे एआरआर, जैसे कि हम पढ़ेंगे पेबैक, लेकिन हमारा इस वक्त का जो टारगेट है ना वो ये है, ये हमारा टारगेट है एनपीवी मेथड, ठीक है। तो जो भी हमने अभी काम किया ना, सिर्फ छोटा सा
वो तो हमने क्या किया है कि एनपीवी को क्विक रिकॉल किया, लेकिन कर क्यों रहे हैं? ये बात समझ में आई? क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हमारे पास होगा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, हम उसको कर रहे हैं इवैल्यूएट, ठीक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब ये है एनपीवी मेथड। अब एनपीवी मेथड में करा क्या जाता है? एनपीवी मेथड में ये करा जाता है, आराम से सुनेगा, एनपीवी मेथड में ये किया जाता है कि ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। सब साथ रहेंगे, डिसीजन मेकिंग। सर ये जब वर्ड डिसीजन मेकिंग है ना, ये सुना सुना लग रहा है, F2, F5 ऐसे ही है ना सर? डिसीजन मेकिंग जहां पर कॉन्सेप्ट होता है रेलेवेंट का, वो जाने रेलेवेंट सर, वहां पे भी पढ़ते थे यहां पे भी पढ़ेंगे सर। F5 में भी डिसीजन मेकिंग होती थी, F9 में भी डिसीजन मेकिंग है सर, दोनों में फर्क क्या है सर? वहां पे शॉर्ट टर्म थी, यहां लॉन्ग टर्म। वहां पे कहते थे लेबर मिसाल के तौर पर एक रिसोर्स लिमिटेड है, कैसे यूटिलाइज करो, ऐसी बात करो, कोई लॉन्ग टर्म बात नहीं होती थी, क्या करेंगे लॉन्ग टर्म। जब लॉन्ग टर्म की बात होती है तो कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, जो F2 में पढ़ाया गया, यहां पे और भी बात होगी, लेकिन अभी मैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा मैथ्स की, फॉर अ टाइम बीइंग आगे चल के बात करेंगे। सो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम करते क्या है? हम कुछ इस तरह से काम करते हैं। हम करते क्या है कि हम करेंगे फ्यूचर कैश फ्लोस। क्या पिक करेंगे बेटा? फ्यूचर कैश फ्लोस, ठीक है ना, जो कि कॉन्सेप्ट बिलोंग करता है रेलेवेंट से, और फिर हमें चाहिए डिस्काउंट रेट, ठीक है ना। डिस्काउंट रेट से करेंगे डिस्काउंटिंग, और फिर कैलकुलेट होगा क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू। और डिसीजन होगा, और डिसीजन क्या होता है बेटा? ये सब बेसिक तो आपको पता ही है, प्लस होता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेगेटिव होता है तो रिजेक्ट कर लेते हैं, जीरो पे सोच सकते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस है, मैं लेटर करूंगा आपसे। एनपीवी जीरो पे एक्सेप्टेबल है या नहीं हम बातें बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अब पहली बात, द पॉइंट इज दैट हमें सबसे पहले एक काम ही करना चाहिए, आराम से सुने सर। अगर मुझे एनपीवी कैलकुलेट करना है ना, ये एनपीवी, तो एनपीवी तो खुद डिपेंडेंट है दो चीजों पर। नंबर वन, मुझे प्रोजेक्ट के पहले क्या चाहिए? फ्यूचर कैश फ्लो चाहिए। फ्यूचर वर्ड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई है ही सब्जेक्ट फ्यूचर, प्लान कर रहे हैं। और दूसरी बात चाहिए डिस्काउंटिंग। आराम से सुने, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ना हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एनपीवी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, उस पूरे टॉपिक में एक अजम्पशन लेके चलेंगे। अजम्पशन क्या है? ये डिस्काउंट रेट गिवन होगा। क्या? डिस्काउंट रेट गिवन होगा, क्योंकि FM जो पढ़ाया जा रहा है ना, इधर सुनो, FM जो पढ़ाया जा रहा है इधर, ये दो हिस्सों में पढ़ाया जा रहा है, एक है इन्वेस्टमेंट और एक है फाइनेंस। एक है इन्वेस्टमेंट और एक है फाइनेंस, दो जगहों में पढ़ाया जा रहा है ये स्प्लिट कर दूं मैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट साइड, तो हम सोचते पता है कैसे, ये इन्वेस्टमेंट जो करने जा रहे हैं, ये जितने जिसने पैसा दिया है उसके लिए फायदेमंद है या नहीं? तो जिसने पैसा दिया है ना, वो हो गया फाइनेंस। तो जो पैसे देने वाला फाइनेंस है ना, वो रिटर्न कितना चाहता है? वो रिटर्न ये रहा, क्या कहलाते हैं? डिस्काउंटेड। ये अभी अज्यूम करेंगे कि ये गिवन है, क्योंकि सिलेबस का दूसरा एरिया स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। जब जैसे उसमें जंप करेंगे ना,
उससे पहला टॉपिक ये आएगा, जो इन्वेस्टर फाइनेंस इन्वेस्ट करता है ना फाइनेंस में, तो अपना रिटर्न कैलकुलेट करता कैसे, वो बिजनेस फाइनेंस में आएगा। तो वंस अगेन हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक फ्यूचर कैश फ्लोस, दूसरा डिस्काउंटेड, अज्यूम डिस्काउंटेड गिवन होगा। जैसे आप F2 में पढ़ते हैं, अभी भी ये 9% गिवन। कैलकुलेट कैसे होगा, थोड़े दिन बाद, थोड़े दिनों बाद, रमजान से पहले इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहली बात, अब तो सर ये बताओ, ठीक है अगर हमें एनपीवी में आगे पढ़ना है तो हम पहले ये देख लें, क्या देखें कि जब हम इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई हमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है ना। तो रेलेवेंट कैश फ्लो चाहिए, रेलेवेंट। आप सबको पता है, मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं, फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ये तीन चीजें काम की होती है ना। हर क्या चीज रेलेवेंट होती है, नंबर वन फ्यूचर, आप कहते हैं पास्ट और कमिटेड इररेलेवेंट होती है, आईआर इररेलेवेंट, सबको पता है ना ये। यानी कि मैं अगर कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, इफ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट, तो अगर कोई पास्ट कॉस्ट है, सम ऑफ द कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, तो वो क्या होगी, इररेलेवेंट, ठीक है ना। अगर मैंने पेमेंट कर दी तो वो संग हो गई, और अगर मैंने पेमेंट नहीं की, कमिटेड की भी है, तो उसका मतलब मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, मुझे तो पे करना ही करनी। तो नंबर वन पास्ट कॉस्ट रेलेवेंट होता है, फ्यूचर कॉस्ट रेलेवेंट होता है, पास्ट और कमिटेड रेलेवेंट नहीं होती। ये हमें याद रखना चाहिए, अगर कोई चीज क्वेश्चन में आएगी तो हम फेस करेंगे यहां पर, एक बात। दूसरी बात, हमेशा रेलेवेंट क्या होता है, इंक्रीमेंटल। अच्छा, इंक्रीमेंटल फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल हो, याद है ना ये वर्ड। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल हो, क्या मतलब सर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल, यानी कि वो प्रोजेक्ट हो तो वो कॉस्ट हो, प्रोजेक्ट ना हो तो वो कॉस्ट। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की वजह से जो मटेरियल लेबर ओवरहेड इंक्रीमेंटल होंगे, चाहे वो फिक्स नेचर के हो चाहे वेरिएबल नेचर के, वो रेलेवेंट होंगे। ये सुनो, अपोर्शन कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती। यानी कि मिसाल के तौर पर तुम एक सेट हो, तुम्हारे रेस्टोरेंट की चेन है और मैं तुम्हारा खादिम, अज्यूम कर लो बेटा, ठीक है ना। आपने बोला सर ये 5 रेस्टोरेंट है, आप सुपरवाइजर है, ठीक है भाई 5,00,000 रुपए सैलरी देते हैं हम मुझे, ठीक है मैं सुपरवाइज कर रहा हूं 5 रेस्टोरेंट्स को, आपने 6 बैरिया टाउन में ओपन कर रहे हैं, आपने मुझे बुलाया, अरे हालात सही नहीं है, सर मुझे ही पता है, 6 रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, गुड, वो भी आप मैनेज करेंगे और सैलरी नहीं बढ़ रही, तो मेरी 5,00,000 रुपए की कॉस्ट पहले 5 रेस्टोरेंट में अपोर्शन थी, अब 6 रेस्टोरेंट में अपोर्शन हो रही, लेकिन मेरी सैलरी में कोई चेंज नहीं है। आपने बोला सक्सेस हुआ तो फिर देखेंगे, नहीं तो छोड़ दें। तो आपने बोला 6 रेस्टोरेंट का जो पर्टिकुलर सुपरवाइजर की जो कॉस्ट है वो रेलेवेंट नहीं है, वो तो अपोर्शन है। ये सब बेसिक बातें हैं, बस मैं इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से बात कर। तो नंबर वन, इररिस्पेक्टिवली फिक्स्ड हो, इररिस्पेक्टिवली वेरिएबल हो, इंक्रीमेंटल होना चाहिए, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल, अपोर्शन नहीं होना चाहिए। और हमें अच्छी तरीके से पता है जो रेलेवेंट होता है ना बच्चा, वो होता क्या है, कैश फ्लो। वो रेलेवेंट क्या होता है, कैश फ्लो, यानी कि नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन, बिल्कुल, लाइक बेड डेट्स,
ये क्या होते हैं, इररिलेवेंट होता है. डेप्रिसिएशन, बैड डेट, दीज आर एमोर्टाइजेशन, इंपेयरमेंट, दीज आर इररिलेवेंट. और मैं इन सब बातों को एक जगह पे कर लूं ना, इन सब बातों को एक जगह पे कहूं, और मैं कहूं इन सब का सर अगर आप एक जगह पे कंक्लूड करके बताएं तो एक टर्म यूज करें, तो इन सब के लिए एक टर्म यूज करूंगा और वो है डिफरेंशियल. डिफरेंशियल का मतलब क्या है, अगर मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा तो कुछ डिफरेंट होगा तो वो रेलेवेंट हो जाएगा, दैट्स ऑल. बेटा जाहिर सी बात है, पास कॉस्ट तो डिफरेंट हो ही नहीं सकती ना. हाँ, इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से डिफरेंट हो जाएगी. और कैश फ्लो, डेप्रिशिएट जितना भी करते रहो, नॉन कैश आइटम है. अच्छा, एक बात और बताता चलू, आपको अंदाजा तो है इस बात का. रेलिवेंट के अंदर एक चीज तो ये फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस, दूसरी चीज क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कुछ याद है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या बेनिफिट. मुझे पता है बेनिफिट नहीं पढ़ा होगा कभी तुम लोग, इफ एनी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी बेनिफिट इफ एनी, यानी कि प्रोजेक्ट करने की वजह से अगर कोई मैं अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा हूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैं कोई गेन कर रहा हूं तो वो आपके पास इंट्रो है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बहुत सिंपल बात है, मिसाल के तौर पे मैं इन्वेस्टर हूं, मेरी चार इंडस्ट्रीज है, सीमेंट सेक्टर भी है, टेक्सटाइल भी है, बैंकिंग भी है, एयरलाइन भी है. अब मैंने बोला भाई कोविड में मैं और एयरलाइन का लॉस बेयर नहीं कर सकता, बस इनफ इज इनफ, ठीक है ना. तो मैं एयरलाइन मिसाल के तौर पे इस वक्त एयरलाइन माइनर प्रॉफिट में, लॉस में नहीं है, अज्यूम दैट माइनर प्रॉफिट में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो, लेकिन जितना मैं चाह रहा हूं उतना नहीं कर रहा. तो मैं कहता हूं यार एयरलाइन करो बंद और गाड़ियों में आ जाओ, कार इंडस्ट्री में पाकिस्तान, ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं. तो आपने कहा गाड़ियों को बंद, गाड़ियों को ओपन करने के लिए मैंने एक अपॉर्चुनिटी क्या की, लूज करी. और वो अपॉर्चुनिटी क्या लूज करी मैंने, जो मेरा माइनर प्रॉफिट था किसके अंदर, एयरलाइन बिजनेस के अंदर. जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वैसे अपॉर्चुनिटी बेनिफिट होती है, बट लेटर बात करेंगे, बहुत एडवांस है वो बात, लेकिन अभी नहीं कर रहा. सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सबसे पहला पॉइंट, अब जब मैं एनपीवी पे काम करने जा रहा हूं तो अब मैं ये चीजें भी इनकॉर्पोरेट कर दूंगा. क्या मतलब, कोई कोई केस हो, उस केस के अंदर कोई क्या, ना ना, उस केस के अंदर वो केस हो आपके पास पूरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का, जिसमें हमें समझना पड़े कि व्हाट इज अबाउट द डिसीजन, और फिर मैं देखूं क्या रेलेवेंट है और क्या रेलेवेंट नहीं है. एक बात अभी आ जाएगा बेटा, संक और कमिटेड कॉस्ट, परेशान ना हो, दोबारा रिपीट कर दूंगा. दूसरी बात ये, एक और बात, अब जब मैं एनपीवी पे बात करूंगा ना, अब मैं जब एनपीवी फॉर्मेट पे बात करूंगा तो मैं एनपीवी फॉर्मेट है, मिसाल के तौर पे 3 साल का प्रोजेक्ट है, मिसाल के तौर पे 3 साल का प्रोजेक्ट है. हेलो, ठीक है ना, ये एनपीवी फॉर्मेट, एयर 0, एयर 1, एयर 2, एयर 3. अब मैं वर्टिकल फॉर्मेट पे काम नहीं करूं, इस फॉर्मेट पे काम करूं. क्यों, क्योंकि आप कैश फ्लो की डिटेल्स हो जाएगी. मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, हो सकता है इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी हो, है तो ठीक है, मना तो ठीक है, खैर. फिर उसके बाद अब सारे रेलेवेंट कैश फ्लोज है, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो रेलेवेंट कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मिसाल के तौर पर मशीन उसकी स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट करने की वजह से रेगुलर कैश फ्लोज कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिनेरियो. से अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, सेल्स, उसकी वेरिएबल कॉस्ट,
ठीक है ना, उसके बाद मैं निकालूंगा क्या सारे नेट कैश फ्लोस, फिर होगा डिस्काउंट रेट, और फिर होगा क्या प्रेजेंट वैल्यू, और फिर होगा क्या एनपीवी। सबको समझ में आई बात? आज ही करेंगे एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आज से ही बढ़ेगा मोमेंटम, ताकि आज ही से लोग फिल्टर हो जाए ना, समझ रहे ना। अबे जिसको पढ़ना है पढ़ना है, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ा भाई, सीधी बात है, ऑनेस्टी की बात। ये सामने रमजान है और मैं नहीं चाहता, 10 दिन पहले भी ना हम सिलेबस कवर कर रहा हूं, और आप भी नहीं चाहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ये हकीकत है, और उसके लिए हमें अभी से पेन बेयर करना पड़ेगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है सारे भाषण दे, जितना मैंने भाषण दिया ना अभी, ये सब इस नोट्स में लिखा हुआ है, ये सारा इस नोट्स में लिखा हुआ है ओवरऑल। ठीक है, जहां नोट्स के अलावा कुछ चीज पढ़नी होगी ना, वो मैं खुद बताऊंगा, ठीक है ना बेटा। ये आपके पास ऑलरेडी हैंड आउट है, मुझे अफसोस है कि ऑनलाइन वालों के पास हैंड आउट अभी तक नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, स्क्रीन पे विजुअलाइज हो रहा है। और ये टॉपिक है, ये पर्टिकुलर जो है वो क्या है, क्वेश्चन है आपके पास होगा LCH मैन्युफैक्चर के नाम से, एक्सक्यूज मी सर, LCH मैन्युफैक्चर के नाम से सवाल पढ़े, जो समझ में आता है डन कर दें। अच्छा एक चीज मैं और बता दू, भूल गया आपको एक चीज मैं बता दू, देखो थोड़ी डांट मट पड़ जाती है बहुत जबरदस्त किस्म की यहाँ पर, थोड़ी और बहुत जबरदस्त, लेकिन उसमें देखो मैं आपको बता दू, देखो भाई मुझे गुस्सा और डांट इसलिए होता है कि, इसलिए नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए होता है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे। आप जब जब भी अक्सर पता क्या बोलता हूँ, अच्छा अटेम्प्ट करो, गलत करो, करो तो सही, गलत करोगे तो सही होगा ना, चाहे वो थ्योरी हो चाहे कैलकुलेशन हो, अटेम्प्ट करो। मैंने कहा ना जो समझ में आ रहा है अटेम्प्ट कर दो, बट अटेम्प्ट करो, हम बताएंगे आपको सही क्या है, और यही चीज रिफ्लेक्ट करेगी थ्योरी में। पहले दिन अगर एक लाइन लिखोगे ना और उसमें 5 लाइनें चाहिए, तो कल को 2 भी होगी, फिर 3 भी होंगी, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट हो जाओ LCH मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है बेटा डिस्कस कर लेते हैं अभी, अपॉर्चुनिटी भी और संक कॉज भी, परेशान ना हो। आपके पास एक्सेल फाइल आएगा FM M1 यानी कि मॉड्यूल 1 IA इन्वेस्टमेंट अप्रेजल J22 June 22 एग्जाम्स, ये मेंशन होगा फाइल।
सर क्वेश्चन शो कर दें सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर। जी बेटा सॉरी, हो गया एनटीवी कितने हैं जी? कुछ तो आया होगा।
हाँ भाई, हाँ बेटा, इट्स काउंटेड ईयर है ना, 12%। एक्सपेक्ट टू अर्न एटलीस्ट 12% पर एनम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 12% चाहते हैं, करे करेंगे तो शाबाश शाबाश शाबाश। चलो जी क्लास, ठीक है, बस यही 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 कमिटमेंट चाहिए। देखिए पहले मैं सवाल पढ़ता हूं, डेफिनेटली जब भी एग्जाम में भी बैठे होंगे तो सबसे पहले सवाल जो स्टडी करेंगे वो रिक्वायरमेंट की बेस पे। और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमेशा याद रखिएगा एक बात कि हमें ये पहले डिटरमिन करना पड़ता है कि व्हाट टू डिसाइड, कि व्हाट अबाउट द डिसीजन मेकिंग, यहां पर डिसीजन मेकिंग है किसके बारे में। पहली बात तो सबसे पहली बात सवाल ये है कि डिसाइड वेदर LCH शुड परचेज द मशीन, पहली बात, ठीक है। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, LCH मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट एक्स विच इट सेल्स $5 पर यूनिट, ठीक है भाई, ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं और $5 में सेल करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर करंटली $3 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 50 सेंट्स पर यूनिट, यानी कि फर्स्ट लाइन में डिसीजन मेकिंग के बारे में कोई बात है ही नहीं। ये प्रोडक्ट है, बनाते हैं $5 का, इसकी कॉस्ट है $3 वेरिएबल और अपोर्शन कॉस्ट फिक्स है 50 सेंट्स। कहते हैं अ न्यू मशीन इज अवेलेबल, अ न्यू मशीन इज अवेलेबल विच वुड कॉस्ट 90,000। असल बात यहां से स्टार्ट है, बट विच कुड बी यूज टू मेक प्रोडक्ट एक्स फॉर वेरिएबल कॉस्ट $2.5 पर यूनिट। ये न्यू मशीन अगर हम बाय कर लें तो ये जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट नाउ है $3, वो 3 से रिड्यूस होके कितनी हो जाएगी 2.5। तो अगर मैंने यहां तक क्वेश्चन पढ़ा है तो इसका मतलब है ये न्यू मशीन बाय करने का पर्पस न्यू सेल्स नहीं है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मशीन बाय करने का जो डिसाइड करना है वो ये है कि हम जो कॉस्ट सेविंग पे जा रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ठीक है।
अच्छा फिर एक और बात, ये मशीन अगर हम बाय करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 3 से 2.5 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा 7500 पर एनम एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ परचेजिंग द मशीन, ठीक है। तो पहली बात तो ये न्यू मशीन की कॉस्ट 90,000, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का सेविंग वो एक बात है, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी वो एक कॉस्ट है पर एनम, ठीक है। द मशीन वुड हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेड लाइफ 4 इयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू रीसेल या रेजिडुअल वैल्यू 10,000। अच्छा फिर कहते हैं सेल्स ऑफ प्रोडक्ट आर एस्टिमेटेड 75,000 यूनिट्स। अच्छा सेल्स के यूनिट्स काम आ जाएंगे, लेकिन मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, नहीं समझ में आया पूछ लेना ऑनलाइन में भी, सेल्स की वैल्यू रेलेवेंट नहीं है सवाल में। वंस अगेन, सेल्स इस क्वेश्चन में रेलेवेंट है ही नहीं। मैं मशीन बाय करूं या मैं मशीन बाय ना करूं, मेरी सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए तो सवाल करा रहा हूं बेसिक है, हम ये तो समझे सबसे पहले व्हाट इज अबाउट डिसीजन। हम सेल, हम यहां पे मशीन बाय करें या मशीन बाय ना करें, सेल्स में हम इंडिफरेंट होंगे, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ये बता दें ऑनलाइन में भी जितने लोग हैं, समझ में आ गई बात। हाँ ये बात सही है कि जो हमें सेविंग निकालनी पड़ेगी उसके लिए यूनिट चाहिए होंगे। अच्छा फिर कहते हैं ये वाला स्टेटमेंट, LCH यानी ये कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न एट लीस्ट 12% पर एनम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। टैक्स इग्नोर कर दें, इसका मतलब क्या है कि वो 12% रिटर्न चाहते हैं, ये डिस्काउंट रेट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला बात, हमारा दिमाग, हमारा माइंड क्या करना चाहिए, व्हाट इज अबाउट डिसीजन। तो यहां पे मैंने लिखा है अबाउट डिसीजन इज टू परचेज द मशीन टू सेव द कॉस्ट, ठीक है ना। अच्छा रेलेवेंट कैश फ्लोस क्या है, नंबर वन मशीन है, मानते हैं इस बात को, और ये आउटफ्लो ओएफ आउटफ्लो, रेजिडुअल वैल्यू इनफ्लो, सेविंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा कैसे होगा बेटा, अभी कितना है 3 2.5 इज इक्वल टू 0.5 पर यूनिट, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से 7500। अच्छा 75,000, और ये जो है वो हमारा इनफ्लो है, ठीक है, जो भी है 37,500। फिक्स कॉस्ट पुरानी वाली अपोर्शन नहीं, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कितनी है पर एनम, कितनी है 7,000। बेटा ये अभी कर रहे हैं एक्सेल पे कर रहे हैं, ये हमारे रेलेवेंट कैश फ्लोज हैं भाई, पहले तो ये बता दें, याद है सबको क्लियर है, बोले जी ऑनलाइन पे भी रिप्लाई करेंगे प्लीज। Excuse me, sir. जी भाई कितने साल का प्रोजेक्ट है, 0, 1, 2 and 4 साल, 4 ईयर का प्रोजेक्ट है। ठीक है जी,
हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहली बात हमारी मशीन की कॉस्ट कितनी मेरे बच्चों? आपने कहा मशीन की कॉस्ट कितना बताया? माइनस 90,000, यस और नो? इसकी रेजिडुअल वैल्यू फोर्थ ईयर में 10,000 इनफ्लो। अच्छा, फिर उसके बाद सेविंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हाँ वो कितनी हो गई? 0.5। और आपने बोला भाई कितना ही है? इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय, जी जी, इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय, ये इनफ्लो हो जाएगा 37,500। सारी चीजें समझाऊंगा, परेशान ना हो। एयर वन का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, ना होता है वन एयर, आराम आराम से पहले बेसिक्स, उसके बाद बेटा फिक्स कॉस्ट कितना है, ये हो गया माइनस में, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ऑल सेट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेट कैश फ्लो इज इक्वल टू सम, टोटल कर लेंगे बेटा, इतना बेसिक एक्सेल तो सबको आ रहा है। वंस अगेन, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, टोटल कर दिया हमने 90,000, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना। डिस्काउंट रेट कितना परसेंट है? 12%। चाहे तो डिस्काउंट टेबल से देख लें, आपकी मर्जी है। इज इक्वल टू 1.12 पावर माइनस यूजेस 0.89286, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, एग्री? आपने कहा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, वंस अगेन, इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और हमने निकाला एनपीवी इज इक्वल टू सम ये आपका एनपीवी आ गया। बेटा पर एनम लिखा है तो यही अज्यूम करेंगे ना, फोर ईयर लाइफ है पर एनम है तो सेम अज्यूम करेंगे ना, सेम यूनिट्स। जी फरमाइए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। अच्छा सब लोग इधर बोर्ड पे एक लिख मरता, बस दो मिनट और चाहिए, पहले बता दो यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? बेटा अगर पर ऑनलाइन में क्वेश्चन है कि ये हमने 2, 3, 4 में यूनिट सेम क्यों लिए, क्योंकि पर एनम यहां पर मेंशन है क्वेश्चन में, परेशान मत हो। सेवेंटी फाइव थाउजेंड यूनिट्स पर एनम ये मेंशन है यहां पर। जी क्लास ऑल डन, एक लास्ट पॉइंट मैं बता दूं, बस क्लास खत्म, आज ही बता देता हूं, वो भी यार सोच रहा था कल बताऊं, आज ही बता दूं। इधर मेरी बात सुने बेटा, ये आपने कैलकुलेशन करी है ना, पहले नेट कैश फ्लोस इधर सुन लें, आपने नेट कैश फ्लोस निकाले ना, ये नेट कैश फ्लोस निकालने के बाद आपने एक स्टेप किया डिस्काउंटेड,
फिर प्रेजेंट वैल्यू, फिर एनपीवी। आप चाहे तो ये जब नेट कैश फ्लोज निकाला है ना, इधर ही डायरेक्ट एनपीवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा भी कर देता हूं मैं, ये एक चीज बता दूं उसके बाद में बता देता हूं आपको। ये देखो एनपीवी, ये देखो इधर, जैसे फंक्शन होता है ना इक्वल टू सम, वैसे एक फंक्शन होता है एनपीवी का। ये परेशान ना हो, इसमें अवेलेबल है सीबी फॉर्मेट, जो बता रहा हूं सीबी फॉर्मेट में अवेलेबल है। इज इक्वल टू एनपीवी, लिखा आपने इज इक्वल टू एनपीवी, ब्रैकेट ओपन, डिस्काउंटेड लिखा, कितना डिस्काउंटेड 0.12, कॉमा, पहले देखना फिर पेज भी कर दूंगा इधर, कॉमा करके मैंने सिर्फ इसको पिक किया जो एयर 1, 2, 3, 4 है। एयर 1 का नेट कैश फ्लो, एयर 2, एयर 3, एयर 4, उसके बाद किया मैंने ब्रैकेट क्लोज, एक तो मतलब प्रैक्टिस करेंगे सेट हो जाएंगे, और फिर साइन किया प्लस का। प्लस का साइन करने के बाद एयर 0 वाला जो है ना उसको सेलेक्ट किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब मैं टोटल करूंगा ना तो ये आंसर आएगा। टाइम को सेव करें, अम्मा अब्बा की खिदमत करें। अबे और नहीं तो क्या, इतने सारे स्टेप आराम आराम, ऐसे बहुत सारे जो है ना जादू सिखा दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि हमें यहां टाइम सेव करना है और थ्योरी पे जान मारनी है। मैं दोबारा बताता हूं, एक मरतबा में समझ नहीं आता ये, ऐसी चीजें तो फॉरन, और सर दोबारा बता, दोबारा से देख ले इधर क्लास, देखे इज इक्वल टू एनपीवी, याद रखिएगा डायरेक्ट नेट कैश फ्लो से होगा ये, डिस्काउंटिंग करने की जरूरत। अच्छा और भी जवाब आएगा, सवाल आएगा जहन में, एग्जाम में मार्क्स तो नहीं काटेगा? अबे नहीं काटेगा भाई, ऐसी चीजें थ्योरी में नहीं पूछते तुम लोग। सर अगर मैं इतना सा लिख दूं तो इन शॉर्टकट्स में, ये रिविजन कट पे हुए मैं, ये अलाउड है। दोबारा से बता रहा हूं, इज इक्वल टू एनपीवी, ब्रैकेट ओपन, डिस्काउंट रेट 0.12, कॉमा, सिर्फ सेलेक्ट किसको किया मैंने, नेट कैश फ्लो एयर 1, 2, 3 एंड 4, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, और प्लस करके इन्वेस्टमेंट पे चला गया, इन्वेस्टमेंट है ना 90,000, और टोटल किया। अब एज इट इज इसको जो है ना मैं यहां पर लिख देता हूं, ये एक्सेल की फाइल मिलेगी तो इस तरह से मिलेगी, ये देखो, ये मैंने यहां पर इज इक्वल टू हटा के जो है ना मेंशन कर दिया। समझ में आ रही है बात? इज दैट क्लियर? दोबारा करूं? कोई मसला नहीं, आराम से देखें, ऊपर कर्सर में देखें, इधर देखना है, खुद से वर्किंग करें तो आएगा समझ में। अच्छा ये बताएं, ये एक्सेल पे आपने वर्किंग खुद से किया या शॉर्टकट का? हो गया? तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास काफी भारी हुई होगी, मैं तो चाहता हूं ऐसी हूं क्लास। भाई पहला इंप्रेशन ही लास्ट होता है ना, बस ठीक है, वो पढ़ेंगे इसी तरीके से यार। तो आज ओरिएंटेशन क्लास नहीं थी, आज क्लास थी, तो जो ये समझ रहे थे ना ओरिएंटेशन। हाँ आप जिसको जो सवाल पूछना है वो पूछ ले, मेरी तरफ से क्लास ऑफ हो गई है, कल दोबारा मिलेंगे 2 बजे दोपहर में इंशाल्लाह, 2 से 6 आपकी क्लास होगी, इसी तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, जो प्रॉब्लम है डिस्कस कर लें ऑनलाइन वाले भी। अच्छा मैं वेरिएबल को समझा देता हूँ, एक बार यार रिप्लाई कर दो स्टूडेंट्स को। अच्छा ऑनलाइन में सवाल है बेटा, सवाल ये है, ऑनलाइन में जो सवाल था मैं बता देता हूँ, सवाल ये है कि जब ये मशीन खरीदेंगे तो ये देखो, तो वेरिएबल कॉस्ट अभी जो है ना, वेरिएबल कॉस्ट ये रहा, वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट $3 है,
और मशीन खरीदेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, बोल्ड हुआ है 2.5, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है। तो ये मैंने क्या लिखा, सेविंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 3 - 2.5 0.5 पर यूनिट। हर साल हम 75,000 यूनिट बनाते हैं, ये रहे 75,000, तो 0.5 को 75,000 से कर रहे हैं हमने, यहाँ पे देखो। Is equal to 0.5 multiplied by 75,000, ये आ गया 37,500, हर साल सेम है। तो समझ में आ गई वेरिएबल कॉस्ट। और पूछ लें, एक मिनट इनको बता दूं, ज्यादा गल्ला बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये व्हाट्सएप का ग्रुप, वैसे फहीम भाई को बोलते हैं कि सर वो व्हाट्सएप का ग्रुप बना, एक्सेल की फाइल चाहिए, अब वो प्रेशर बहुत होता है उसके ऊपर। जी बेटा पूछ लें, दोबारा करें, ये देखें, ये अप्लाई करें ना, लिखें अपने पास जैसे मैं कह रहा हूं वैसे लिखें। इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट ओपन के बाद डिस्काउंटेड लिखो 0.12 कॉमा, उसके बाद कर्सर को ऊपर लेके जाओ, सिर्फ एयर 1, 2, 3, 4 के नेट कैश फ्लोस, एयर 1, 2, 3, 4 के नेट कैश फ्लोस हो गया। फिर कर दो ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखो प्लस, फिर लिखो प्लस, ऐसा भी करो प्लस के बाद कर्सर ले जाओ इन्वेस्टमेंट का, जो 90,000 है ना बी लेके चले गए, एंटर कर दो, डरना नहीं है। आ गया ना, बताओ ना, हो गया। बेटा भी कोई एक मिनट, हाँ ठीक है असद भाई, अभी क्वेश्चन करते रहेंगे बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा F2 F5 के मैटर को रिव्यू कर ले रेलेवेंट में, ठीक है, फिर कल मिलेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है असद भाई, चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज। कैसा दोस्त, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रही है, अल्लाह का बड़ा करो भाई।